हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हमने रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस अपनी यूनिट शुरू की। प्रायोरिटीज के बेसिक्स देखने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शंस की बात कर रहे थे। मतलब आपने कहा कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी हम पर्टिकुलर कुछ डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो आपने दो टाइप की फंक्शंस देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। तो सबसे पहले आपने डिफाइन किया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एनी रैंडम वेरिएबल एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। ये आपने लिखा CDF, और इसका डिफिनिशिएशन आपने डिफाइन किया PDF के नाम से, दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू D/dx ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स। ये इसके टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं अपने CDF के टर्म्स में। अगर PDF को, तो ये आपने डेफिनेशन लिखी। फिर आपने लिखा कि डेफिनेशन अगर हम यूज करें डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमने चीज़ कही कि कभी भी हमारा जो ये फंक्शन होगा PDF, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आएगा। ये हमने डेफिनेशन से देख लिया। और क्योंकि ये हमारा स्लोप डिफाइन कर रहा है fx का, जो हमारा CDF था उसका स्लोप डिफाइन कर रहा है, जो एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमेशा जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि आपका ये जो एफ एक्स ऑफ एक्स होगा डेंसिटी फंक्शन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड, अगर हम इस रिलेशन को यूज करें कि अगर CDF के डिफरेंशिएशन से आपको PDF मिल रहा है, तो आपने लिखा कि एफ एक्स ऑफ एक्स इट मे बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, जो आपका PDF है, दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स dx लिखें, या हम एफ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ लिखें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपने यहीं पर x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पुट कर दिया, मतलब आपने लिखा एफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी, तो अगर हम ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लें, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं हम, इस डेंसिटी फंक्शन के अंदर का अगर हम टोटल एरिया निकाल लें एफ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, टाउ की वैल्यू को अगर हम वेरी करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये टोटल एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमेशा डेंसिटी फंक्शन के अंदर का एरिया 1 होना चाहिए। तो जितने भी टाइप के हम डेंसिटी फंक्शंस देखेंगे, वहां पर हम अगर जो हमने डेंसिटी फंक्शन का फॉर्म लिया, अगर उसका एरिया 1 नहीं आ रहा, तो फिर हम कोई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यूज करेंगे जो उस एरिया को क्या बना दे, 1 बना दे, तभी हम उसको PDF के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि PDF का एरिया हमेशा ही क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर आपने यहाँ से और चीज़ें जो देख ली कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है किसी इवेंट की, दैट इज लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू छोटी हो, मतलब बड़ी हो x1 से, और छोटी या इक्वल हो सकती है x2 से, अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन की। और अगर हम देखें तो हम अगर कंटिन्यूस के केस में बात करें, तो ये जो चीज़ होगी कंटिन्यूस के केस में, आप यहाँ पर इक्वलिटी का भी साइन ले सकते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, ये हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। अगर हम x1 से x2 के बीच इंटीग्रेट कर लें, जो हमारा डेंसिटी फंक्शन गिवन है एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये चीज़ यहाँ हम एफ एक्स ऑफ टाउ डी टाउ लिखे, तो ये जो हमें एरिया देगा इन दो वेरिएबल्स, इन दो जो भी आप पॉइंट्स ले रहे हैं रियल एक्सिस के पॉइंट्स, तो उनके बीच में कितनी आपको प्रोबेबिलिटी है उस बीच में इवेंट होने की, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी आपको px1 x2 के बीच से मिल गई। आपने ये भी लिखा कि अगर ये हमारा कंटिन्यूस होगा, तो यहाँ पर हम इक्वलिटी का भी साइन लेंगे, तो भी हमारा रिजल्ट यही रहेगा। अगर हम इसी चीज़ को यूज़ करें, अगर हम डिफाइन करते प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, हम इक्वलिटी का साइन ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए देखें, अगर हम फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो उस केस में क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी किसी पॉइंट की लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, सभी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो x लेस देन, ये हमारी अगर हम x से लेकर x प्लस डेल एक्स के बीच का अगर हमने ये इंटरवल लिया, x से x प्लस डेल एक्स के बीच में होने की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन भी आप कहाँ से लेंगे, x से लेकर x प्लस डेल एक्स तक, उस बीच में आपका ये फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप ये जो इंटरवल ले रहे हैं डेल एक्स का, मतलब x से लेकर x प्लस डेल एक्स, मतलब वो टोटल जो इंटरवल आपने लिया है रियल एक्सिस में, वो इंटरवल आपने डेल एक्स का लिया है। अगर मान लीजिए जो डेल एक्स आप ले रहे हैं, सपोज ये रियल लाइन है आपकी, और आपने ये x प्लस डेल एक्स, ये आपका इंटरवल अगर डेल एक्स है, इस बीच में अगर आपका रैंडम वेरिएबल कुछ भी उसके लिए PDF है, अगर आप इस इंटरवल को बहुत छोटा सेलेक्ट करें, मान लीजिए जो आप इंटरवल ले रहे हैं, ये आप विड्थ कह रहे हैं कि ये डेल एक्स इंटरवल है, ठीक है, ये आपका टोटल ये जो विड्थ है ये डेल एक्स है, अगर हम इस विड्थ को बहुत कम लें, नेग्लिजिबली स्मॉल लें, तो उस केस में ये जो PDF है आपका, उस PDF को आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर आप इस स्मॉलेस्ट, अगर इस इंटीग्रल को बहुत ही छोटा लें, तो जो भी PDF का शेप है
उसको उस बहुत छोटे इंटरवल में आप क्या ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई तो इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगी, एफ एक्स ऑफ एक्स, उस केस में अगर आपने कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, इसको अगर आपने बाहर लिख लिया, जो भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि फंक्शन नहीं होगा एक्स का, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम कर सकते हैं टू बी कॉन्स्टेंट। तो अगर हम लें, और यहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि डेल एक्स टेंड्स टू क्या ले रहे हैं आप, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं। अगर हम यहां से देखें तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या ले रहे हैं हम, जीरो, उसके केस में हम ये इंटीग्रल देखते हैं। तो आप अगर ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई तो उसको हम बाहर कर लिए हमने, और हमारे पास क्या वैल्यू आई, इंटीग्रेशन ओनली फॉर डी एक्स, कहां से कहां तक, एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल एक्स तक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या दे देगा आपको, x, इसलिए आपके पास जो वैल्यू आई थी एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स की वैल्यू जब आप पुट करेंगे x से लेकर x प्लस डेल एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सिर्फ यहां से जो वैल्यू मिलेगी इससे, वो वैल्यू कितनी होगी, डेल एक्स के बराबर। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये भी हमने देख लिया था कि अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, दिस प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल बीइंग इट बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डेल एक्स, ये प्रोबेबिलिटी अगर हमें किसके बराबर मिली, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स के बराबर, तो यहां से आपने ऐसे भी लिख दिया कि एफ एक्स ऑफ एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो एक्स में इक्वलिटी का भी साइन ले सकते हैं, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा क्योंकि उसकी उस पॉइंट पर भी कुछ प्रोबेबिलिटी ऐड हो सकती है। तो एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल एक्स के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी इंटू जो आपने डेल एक्स इंटरवल लिया, तो ये चीजें हम देख चुके हैं। अब अगर आप नॉर्मली देखें, जैसे मान लीजिए कि हम एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस बना लेते हैं, कि हमारे पास एक CDF है, हम एक इजी एग्जांपल जो लेकर चले थे उसी के लिए अगर हम देख लें, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये कोई टी टाइम में प्रोबेबिलिटी जीरो से इंक्रीज होकर वन हो रही है, यह आपका CDF है एफ एक्स ऑफ एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, और इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको मिला PDF विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स है, मतलब ये CDF है जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। आप अगर देख रहे हैं कि अगर टी टाइम में वैल्यू वन गेन कर रहा है, मतलब इसका स्लोप है 1/t, तो उतना ही कांस्टेंट आपको यहां पर आपको ये वैल्यू मिलेगी इन बिटवीन ड्यूरेशन 0 to t, ये वैल्यू कितनी है 1/t, जिससे कि अगर आप इसका एरिया फाइंड करें तो अगर ये PDF है तो एरिया नेसेसरीली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। तो ये क्या बताता है, अगर हम देखें एफ एक्स ऑफ एक्स, तो मतलब आपको ये पता है, ये चीज आप अगर कोई भी पॉइंट यहां पर सेलेक्ट करेंगे, ये आपको बताता है कि आपने किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हैं, आप अगर कहें कि ये पॉइंट है हमारा x1, अगर यहां पर आप इसकी वैल्यू को देखें, अगर ये वैल्यू है हमारी, मान लीजिए कि हम ये वैल्यू ले लेते हैं 0.6, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट तक रियल वैल्यू की, रियल एक्सिस पर वैल्यू अगर आप देखें x1, तो इसका मतलब है x1 तक आपके जितने पॉसिबल आउटकम्स थे उसके 60% आउटकम्स आपने इस वैल्यू से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। मतलब अगर आपको टोटल इतने ही ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना, आप जितने देखिए प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आउटकम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जितने ज्यादा फेवरेबल आउटकम्स आएंगे उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी। तो आप या तो कहें कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती थी 100% यानी 1, तो उसमें से आप प्रोबेबिलिटीज बांटते जा रहे हैं कि x1 तक में हमने 60% प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि 60% तक हमारा यहां तक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और आगे बढ़े तो 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फाइनली 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दी। या फिर आप ऐसे कहें कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे, जो भी रियल नंबर असाइन हो सकता था रैंडम वेरिएबल्स को, उसमें से 60% वैल्यूज तो इसी के बीच में हमने असाइन कर दी। उससे और ज्यादा के लिए अगर हम देखें तो टोटल 100% अगर यहां प्रोबेबिलिटी हो जा रही है, इसका मतलब जितनी भी रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले सकता था वो सभी वैल्यूज टोटल आउटकम्स इसी रीजन में डिफाइंड है, कहां से कहां तक के बीच में, 0 से लेकर टी के बीच में, इस ड्यूरेशन में पूरा आउटकम आ जाएगा। तो इससे ज्यादा डिस्टेंस में देखेंगे तो डेफिनेटली वो तो पूरा आउटकम को करेगा ही इंक्लूड। तो ये आपकी CDF का मीनिंग है। अगर आपको इस CDF से आपने ये भी देखा कि अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए कि हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x1 से x2 के बीच में हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने ये भी लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 से बड़ी हो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और x2 से छोटी हो, ये प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं fx ऑफ x2 माइनस fx ऑफ x1। तो अगर आप CDF से फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कैसे मिल जाएगा, x2 पर देख लीजिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, सपोज हमने कहा ये 0.8 है, और माइनस कर दीजिए जो x1 पर उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब x1 तक में आपने जितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0.2 क्या दे देगा आपको। अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, कि अगर ये पॉइंट जो भी आप इनकी वैल्यू सेलेक्ट कर लें कि x1 से x2 के बीच में ही रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे फाइंड कर लिया आपने, fx2 माइनस fx1 से। ठीक है, अब यही चीज जब हम डेंसिटी फंक्शन से फाइंड करते हैं,
तो अभी हमने ये देखा कि डेंसिटी फंक्शन मतलब अगर हम फिर से यहां पर कोई दो पॉइंट्स ले लिया हमने, ये पॉइंट है हमारा x1 और ये पॉइंट है x2, तो इसका जो डिफरेंस होगा डेंसिटी फंक्शन से, आप यहां से अगर देखें तो ये डेंसिटी फंक्शन कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर टोटल लेंथ t में हमें अगर 100% आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो उसमें हर जगह आप अगर देखें तो किस ऑर्डर से आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 1/t, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब अगर हम देखें जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इस टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये जो हमारी डेंसिटी होगी जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। खैर ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर पीडीएफ को देखकर आपको बताना है कि दो पॉइंट्स के बीच में लाई करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, यहाँ से अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन टू रैंडम वेरिएबल इन बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू, तो ये वैल्यू आप यहां से क्या लिखते हैं, एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स, एरिया अंडर दीज टू लिमिट्स, मतलब आपको जो भी आपका एफएक्स ऑफ एक्स है या एफएक्स ऑफ टाउ लिखें, जो भी चीज आप लिखें एफएक्स ऑफ एक्स, ठीक है एक्स ही लिख लेते हैं यहां पर क्योंकि लिमिट्स एक्स वन एक्स टू है, एफएक्स ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली एक्स वन से एक्स टू के बीच में तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखिए आपको मेनली जब जरूरत पड़ेगी इन पीडीएफ की तो यही चीजें फाइंड करने के लिए पड़ेगी। अगर आपके पास पीडीएफ गिवन है तो किसी सर्टेन रेंज में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, सीडीएफ से भी पूछा जा सकता है, पीडीएफ से भी पूछा जा सकता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज हमने सीडीएफ की अलग से लिख ली थी, पीडीएफ की प्रॉपर्टी भी आपने अभी लिख ली, तो इनको एक टेबल के फॉर्म में अलग से लिखिएगा, इनकी आपको जरूरत आगे पड़ती रहेगी। तो जैसे ही हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिया, अगर यहीं पर हमने देखा फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट के केस में मान लीजिए आप एक ऐसा सीडीएफ ले लें जैसा आपने लिया था, ठीक है ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आते हुए ये वन हो गई, ये आपका एफ एक्स ऑफ एक्स सी डी एफ है। अगर आपने कहा कि ये जो वैल्यूज़ हैं 0, 1 एंड 2, इनको अगर आपने एक्स एक्सिस पर अगर आपने इनको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नाम दे दिया रैंडम वेरिएबल की, ये तीन वैल्यूज़ पॉसिबल हैं डिस्क्रीट के केस में, यहाँ प्रोबेबिलिटीज थी आपकी 1/4, 3/4 और फाइनली ये वैल्यू हो गई थी 1। ये सी डी एफ था, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने तो ये आपको मिला पी डी एफ स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स, एक इम्पल्स आपको, ये स्टेप फंक्शंस हैं, इसका हमने देख लिया था कि डिफ्रेंशिएशन हमें इम्पल्सेस देगा, तो ये आपको तीन इम्पल्सेस दिखेंगे, कहाँ कहाँ पर इम्पल्सेस हैं, ये 0 पर, 1 पर और 2 पर, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ 1/4, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 1/2 और इसकी स्ट्रेंथ फिर से कितनी है 1/4। तो ये हमने ये भी लिखा था कि ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो यहाँ से जैसे अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, अगर इसका हमें सी डी एफ गिवन है या इसका अगर हमारे पास पीडीएफ गिवन है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप यहां पर देखते हैं कि अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो उस केस में ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, क्योंकि कभी भी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो x1 पर और उसके जस्ट पहले उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में देखेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। अब अगर यहीं पर हम डिस्क्रीट के केस में उसी चीज़ को देखते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना चाहते कि रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू हमारी क्या हो, x1 से x2 के बीच में, अगर हमने यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं लिया, उस केस में अगर आप देखें तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, एफ एक्स ऑफ एक्स टू माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन, ठीक है ये जैसा आपने प्रीवियस केस में भी लिखा था। अब अगर यहाँ पर एफ एक्स ऑफ एक्स टू देखें तो एक्स टू पर एफ एक्स की वैल्यू जो आपको फाइनल वैल्यू दिख रही है वो हमारी वैल्यू है एट एफ एक्स टू, यहाँ पर हमारे एफ एक्स टू की वैल्यू, तो दैट इज व्हाट 3/4, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 3/4 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन, आप अगर लें तो एक्स वन मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज 1/4, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल गई 1/2। मतलब अगर आप देखें कि अगर आपको ये वैल्यू चाहिए कि रैंडम वेरिएबल हमारा x x1 से बड़ा हो लेकिन x2 से छोटा या इक्वल हो सकता है, तो x1 ये है 0, इससे बड़ा हो मतलब यहाँ से लेकर आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को 1 तक ले सकते हैं, 1 भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो 0 का आउटकम नहीं आया, इस बीच में कोई आउटकम नहीं है, तो फाइनली आउटकम कौन से आए जो आपने 1 को असाइन किए थे। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को लिया था हमने तो वहाँ टेल हेड और हेड टेल दो कंडीशंस थी, तो 2/4 आपकी प्रोबेबिलिटी इसलिए कितनी मिली थी आपको 1/2 मिली थी। अगर हम इस केस में देखें यहां पर हमने अगर लेस देन कहीं बस साइन लिया तो ये हमारी वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई
एफ एक्स ऑफ एक्स टू आपने लिखा 0.8 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन आपने लिखा 0.6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.2। अगर हम यहीं पर इसी में x को भी इंक्लूड कर देते, मतलब अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 को भी हमने इंक्लूड कर दिया, यहां भी इक्वालिटी ले ली x x2 के बीच में, तो अब यहां पर अगर आप लिखते हैं, अगर ये भी आप इंक्लूड कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या होता है आपका, एफ एक्स ऑफ x2 माइनस एफ एक्स ऑफ सिर्फ x1 नहीं लिखकर आप क्या लिखते हैं x1 माइनस लिखते हैं। तो उस केस में क्योंकि x1 और x1 माइनस अगर ये हमारा कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल है तो जितनी इस एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू एक्स वन उसके जस्ट पहले भी उसकी वैल्यू को हम वही कंसिडर करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उस केस में ये जो वैल्यू हमारी इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स टू माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन ओनली, क्योंकि एक्स वन और एक्स वन माइनस दोनों पर आपके फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो यहां पर यह भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.8 माइनस 0.6 दैट इज व्हाट 0.2। तो अगर आपका कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल था तो यहां पर आप इक्वलिटी ले या नहीं ले आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। और इसके साथ अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू देखना चाहते दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स वन अगर आपने लिया तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होने की वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी इट इज जीरो। इससे रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन भी मैंने कमेंट सेक्शन में आपका देखा था, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है आपकी कि अगर कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल है तो उसकी किसी एक पॉइंट के लेने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो है। अब यही चीज़ अगर आपने देखी डिस्क्रीट के केस में तो ये तो आपने पहले देख लिया कि यहाँ पर अगर इक्वलिटी साइन हमने नहीं लिया तो हमारी वैल्यू है 1/2। अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्स वन, जो वैल्यू हमारी पिछले केस में जीरो थी, तो यहाँ पर डेफिनेशन तो वही है, अभी भी ये वैल्यू किसके बराबर होगी एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस। तो अब क्योंकि एफ एक्स ऑफ एक्स वन, एक्स वन पर जो एफ एक्स की वैल्यू है और उसके जस्ट पहले जो एफ एक्स की वैल्यू है वो दोनों चेंज है, वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि आपका ये फंक्शन जंप डिस्कंटिन्यूटीज को कैरी कर सकता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो उस केस में ये जो वैल्यू आपको मिली ये वैल्यू कितनी है एफ एक्स ऑफ एक्स वन इज वॉट 3/4 एंड माइनस सॉरी एफ एक्स ऑफ एक्स वन, एक्स वन आपने इसको माना है तो यहां पर वैल्यू कितनी है आपकी 1/4 एंड माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस, एक्स वन से पहले आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की जीरो, तो ये 1/4 माइनस जीरो मतलब ये वैल्यू क्या मिली आपको 1/4 मिली। तो एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू एक्स वन होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर जीरो नहीं भी हो सकती है अगर उस पॉइंट पर जंप डिस्कंटिन्यूटी है। अगर हमने इसको कहां पर किया इवेल्युएट, अगर आपने एक्स वन पर इवेल्युएट किया तब ये वैल्यू आपको कुछ फाइनाइट वैल्यू मिली। अगर यहीं पर हमसे बोला जाता कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1.5, ये एक्स वन का क्या मतलब है जीरो आपने लिया, ऐसे ही एक्स टू ले लेते तो भी कुछ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी मिलती जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, या हम कहें 2 ले लेते तो भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलती। लेकिन अगर हम इसके बीच की कोई वैल्यू ले लें दैट इज अगर आपने इसके बीच का कोई ले लिया इंटरवल 1.5 ले लिया या 2 ले लिया 1.6 ले लिया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी एफ एक्स ऑफ 1.5 माइनस एफ एक्स ऑफ 1.5 माइनस, मतलब 1.5 पर जो फंक्शन की वैल्यू और उसके जस्ट पहले जो फंक्शन की वैल्यू है ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर आप 1.5 पर देखें ये इस पॉइंट पर तो वैल्यू है 3/4 और इसके जस्ट पहले भी अगर आप देखें तो भी वैल्यू कितनी है 3/4 है। तो उस केस में ये वैल्यू कितनी होती 3/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो। तो डिस्कंटिन्यूअस अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसके किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है जीरो नहीं भी हो सकती, लेकिन कंटिन्यूअस के केस में हमेशा ही जीरो होगी। और अगर हम यहां पर अब इक्वलिटी का साइन अगर हम ऐड करके देखें, प्रीवियस केस में हमने देखा कि चाहे हम इक्वलिटी का साइन नहीं लें या लें दोनों ही कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन अगर हम यहां पर इक्वलिटी का साइन ऐड कर लें तो अगर हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन टू एक्स टू, एक्स वन को भी इंक्लूड कर लिया और एक्स टू से छोटा हो, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब इस केस में आप लिखेंगे जो आपकी डेफिनेशन थी वो तो चेंज नहीं होगी, मतलब एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस। आपने प्रीवियस केस में यहां पर जब लिया था जब आपने इक्वलिटी नहीं लगाया तो यहां पर एफ एक्स ऑफ एक्स वन लिखा, तो एफ एक्स ऑफ एक्स वन आपको क्या मिली वैल्यू 3/4 मिली, तो इसलिए आपने जो वैल्यू लिखी है दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स वन इज 1/4, तो आपने लिखा 3/4 माइनस 1/4। अब अगर हम यहां देखें तो एफ एक्स ऑफ एक्स टू, एक्स टू की जो वैल्यू है एफ एक्स की ये तो हमारी अभी भी है 3/4, तो ये वैल्यू हमने लिखी 3/4 माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वन माइनस, ये एक्स वन पर ये वैल्यू हो रही है 1/4, इसके जस्ट पहले वैल्यू कितनी है जीरो, तो यहां से अगर आप माइनस अगर आप करेंगे दैट इज
जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3/4। मतलब अगर हम देखें कि अगर हम अलाउ कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू या तो x1 हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, या तो x2 हो जाए या उससे छोटी रहे, मतलब x1 को भी आपने इंक्लूड कर लिया। अब जो आप देख रहे हैं रियल एक्सिस का सेक्शन, वो जीरो से शुरू करते हुए और इस वन तक, इस पूरे के रेंज में x के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको दिख रहा है जीरो वाले भी आउटकम्स आ जाएंगे, मतलब टेल टेल भी आ जाएगा और वन के करस्पॉन्डिंग टेल हेड और हेड टेल दोनों आ जाएंगे। तो टोटल तीन पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स फोर। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी यहां पर आपने देखी तो वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। तो ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का हमने ये सभी चीजें देख ली हैं। अब जैसे इसके केस में आपने पीडीएफ लिखा, तो आपने हमेशा क्या लिखा, ये जो पीडीएफ होगा जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी डी एफ एफ एक्स ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू, इसी को हम और क्या नाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसी को हमने और क्या नाम दिया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इन केस ऑफ रेंडम वेरिएबल द पीडीएफ इज नोन टू बी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विच स्पेसिफाइज प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, जो रेंडम वेरिएबल को आपने वैल्यूज असाइन की हैं, जैसे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। यहां से अगर आपने अभी कैलकुलेट किया एफ एक्स ऑफ एक्स वन, क्या वैल्यू आई आपके पास 1/4, तो वही आपने यहां पर प्लॉट कर दिया कि एक्स वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स थ्री की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे आपने जितने भी रेंडम वेरिएबल्स को आपने असाइन किए होंगे रियल नंबर्स, उन सभी रियल नंबर्स की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्लॉट करें तो भी यही फंक्शन आएगा। और इस फंक्शन को हम और कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली सीडीएफ के डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को आपने नाम दिया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहां तक हमने देख लिया। अब यहां से देखते हैं कि कई बार हमारे पास क्या होगा कि हमें कुछ पर्टिकुलर सीडीएफ या पीडीएफ स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन रैंडम वेरिएबल या एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमारी यहां पर एक थ्योरम आती है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, जो ये कहती है कि अगर हमारे पास सीडीएफ या पीडीएफ गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम अपना एक्सपेरिमेंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम रैंडम वेरिएबल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं और फिर इसके बाद हम थोड़े से उल्टे सीक्वेंस में चलेंगे। नॉर्मली जब सीडीएफ पीडीएफ हम डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब मीन वेरियंस, इन सब की हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले वो बात नहीं करेंगे, पहले हम कुछ कॉमनली एनकाउंटर्ड जो हमारे डेंसिटीज हैं, डेंसिटी फंक्शंस, उनको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि उनमें जो पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं उसमें से क्या मीन है, क्या वेरियंस है, ये सभी चीज़ें हम उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो अभी तक आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें तो बहुत ही अच्छा है। आप ये समझ लीजिए सब बस अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये आपकी अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई एक बार, आपने अगर अच्छे से इनका सिग्निफिकेंस समझ लिया, तो आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल डिपेंडेंट होंगे, तो आपको तभी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी जब ये पूरी चीज़ें हमारी क्लियर हों। तो थोड़ा सा आपको एक दो क्लास का और पेशेंस रखना है। गेट के क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप, अभी भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा सकता था आपको गेट के जो बन जाते आपसे, लेकिन अभी हमारा पर्पस क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग का है ही नहीं, तो पहले थोड़ा हम डेवलप कर लें अपने अच्छे कॉन्सेप्ट्स, फिर हम जरूर करेंगे क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस दूसरे सब्जेक्ट्स की अभी आप करते रहिए क्वेश्चंस की, यहां पर मैं आपको दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस ही दूंगा आपको मैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम अगर देखें एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो यूज क्यों करेंगे, इफ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शन इज नोन विदाउट हैविंग इंफॉर्मेशन about the probability space। मतलब अगर हमें सिर्फ ये distribution function या फिर हमारे पास जो density function है वो अगर हमें given है, लेकिन हमें अगर probability space नहीं पता, experiment नहीं पता, random variable नहीं पता, तो उस case में हम यहाँ पर define कर रहे हैं existence theorem। theorem है कि फॉर अ गिवन डेंसिटी फंक्शन, फॉर अ गिवन डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्स आप कहें, और इट्स इंटीग्रल, और इट्स इंटीग्रल,
इसका इंटीग्रल मतलब ये डेंसिटी फंक्शन है, मतलब ये क्या हमारा पीडीएफ है। तो या तो अगर हमारे पास पीडीएफ गिवन हो या फिर इसका इंटीग्रल गिवन हो, दैट इज व्हाट सीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स, जो क्या लिखते हैं आप इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने लिखा फॉर अ गिवन डेंसिटी फंक्शन और इट्स इंटीग्रल सीडीएफ वी कैन कंस्ट्रक्ट, या लिखे हम इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरम है। थ्योरम हमारे बहुत ज्यादा कुछ प्रूफ इसका नहीं है आपको देखना, बस आपको मतलब समझना है कि क्या हम कैसे हम ये चीजें हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप इसको प्रूफ के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ अगर हम ये कंसिडर करें कि जो हमारी रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस जो हमारी है, हम इस पर जितने भी रियल नंबर्स हैं, इन सभी रियल नंबर्स को इंक्लूड करने वाला अगर जो सेट हो, ये जिसको आप एक्स से लिख रहे हैं, तो अगर हम एक ऐसा सेट डिफाइन कर दें जिसमें सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, मतलब अगर हम क्या एज्यूम कर लें कि लेट सैंपल स्पेस एस इज व्हाट सेट ऑफ, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ लेना इसको आप, ऑल रियल नंबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड हम डिफाइन कर रहे हैं जो इवेंट्स हैं, जैसा आपने लिखा बार बार कि इवेंट्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इस रियल नंबर्स में से जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं, मतलब जितने भी इंटरवल्स पॉसिबल हैं, अगर उन सभी इंटरवल्स को और उनके यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस को अगर हम इवेंट डिफाइन करें, तो इफ इवेंट्स क्या हमारे ऑल इंटरवल्स एंड देयर यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस, इन सभी को अगर हमने क्या डिफाइन कर दिया, अगर हमने इवेंट्स डिफाइन कर दिया, तो आप अगर देखिए, अगर हम कहें कि हमें एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये एक्स है, ठीक है, ये हमारे सेट ऑफ रियल नंबर सैंपल स्पेस। अब अगर हम यहां से कहें कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एक्स वन, हम इस रियल नंबर्स के सेट में से कोई भी एक नंबर रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने ये डिफाइन किया कि अगर हम कोई एक पॉइंट चुने इस रैंडम वेरिएबल पर, हम कोई भी एक वैल्यू, अगर हम इस रियल एक्सिस पर कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज हम कहें कि ये हमारी कोई वैल्यू है एक्स वन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्टेड वैल्यू एक्स वन से छोटी या इसके इक्वल होगी। तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एक्स वन, और इसको हम किससे इक्वेट कर दें, इट इज इक्वल्स टू, अगर हम मान लें एफ एक्स ऑफ एक्स के ये बराबर है, क्योंकि बाई डेफिनेशन यही चीज लिखते हैं आप। तो आप देखिए, यहां पर जो एग्जिस्टेंस थ्योरम आपने लिखी है, वो आपने ये लिखा है कि अगर हमारे पास एक या तो डेंसिटी फंक्शन गिवन हो या हमारे पास सीडीएफ गिवन हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन हो, उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल। यहां पर कंडीशन है प्रोवाइडेड, यहां पर अगर आप देखें तो कंडीशंस भी हैं कि प्रोवाइडेड दीज फंक्शंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हम जो ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये फंक्शंस गिवन होंगे एफ एक्स ऑफ एक्स और ये कैपिटल एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये किसी भी फंक्शन के लिए तो नहीं कर सकते हम रैंडम वेरिएबल क्रिएट। तो अगर ये फंक्शन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, मतलब अगर हम लिखें कि ये क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसके साथ और क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वन। मतलब पीडीएफ फंक्शन के लिए दो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, यह हमारा पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए और दूसरी चीज इसके अंदर का टोटल एरिया कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। ऐसे ही सीडीएफ अगर है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज हम देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है नहीं, हमेशा उस सीडीएफ में क्या लिखते हैं आप कि सीडीएफ हमारा राइट से कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स, ये चीज फॉलो होनी चाहिए। दूसरी चीज, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होना चाहिए, मतलब अगर हम देखें एफ एक्स ऑफ एक्स टू देन एफ एक्स ऑफ एक्स टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स वन फॉर एक्स वन ग्रेटर देन, दैट इज एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन। और इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बढ़ाएं, तो वैसे वैसे हमारा जो एफ एक्स ऑफ एक्स है ये मोनोटोनिकली जीरो से वन तक इंक्रीज होना चाहिए। मतलब यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि एफ एक्स ऑफ एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू वन
as x increases from minus infinity to plus infinity. तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस हैं जो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो उसके केस में हम एक रैंडम वेरिएबल और हम एक्सपेरिमेंट दोनों ही चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? अगर हमने डिफाइन कर दिया कि जितने भी रियल नंबर्स का सेट है, अगर वो हमारा पूरा सैंपल स्पेस है और इन रियल नंबर्स में से जितने भी इंटरवल्स हो सकते हैं और उन इंटरवल्स के यूनियंस और इंटरसेक्शंस, अगर उन सबको हमने इवेंट्स डिफाइन कर दिया, तो उस केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x लेस देन और इक्वल्स टू x1, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू x1 से छोटी हो सेलेक्टेड वैल्यू, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम इस fx ऑफ x के करेस्पॉन्डिंग ही एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए इस प्रोबेबिलिटी को हमने किससे इक्वेट कर दिया? fx ऑफ x, वेयर दिस fx ऑफ x इज व्हाट? गिवन फंक्शन. ये हमारा क्या है? गिवन फंक्शन है. अगर हमने इसके इक्वेट कर दिया तो सिर्फ इस एक इक्वेशन से आपने एक्सपेरिमेंट भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या हो गया यहां पर, आप अगर लिखें इसको, मान लें अगर हम इक्वेशन वन, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि इक्वेशन वन क्लियरली डिफाइंस एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग अ रियल नंबर फ्रॉम सैंपल स्पेस S. ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? अगर हमने रियल नंबर सेलेक्ट करना, रैंडमली हमने कोई एक रियल नंबर सेलेक्ट करने को हमने अगर एक्सपेरिमेंट मान लिया, तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपने एक्सपेरिमेंट तो मान लिया, अब अगर हम देखें तो इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स क्या क्या होंगे? द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर रियल नंबर्स ओनली. अगर हमने रियल नंबर में से ही सेलेक्ट किया तो आउटकम भी जो होगा वो क्या होगा? रियल नंबर ही होगा. अब इसके साथ आप और क्या लिख सकते हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल इवेंट्स, या फिर आप इसको अगर ऐसे लिखें कि आपने ठीक है एक्सपेरिमेंट तो सेलेक्ट कर लिया, अब अगर हमें रैंडम वेरिएबल भी चाहिए तो टू डिफाइन रैंडम वेरिएबल एक्स वी मस्ट नो इट्स वैल्यू एक्स ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स. क्या होना चाहिए? हमने एक एक्सपेरिमेंट तो डिफाइन कर दिया कि हम एक रियल नंबर कोई भी चुन रहे हैं. अब उस रियल नंबर को चुनने को अगर आपने एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दिया, तो जैसे मान लीजिए कि आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स एक एक्सपेरिमेंट तो हो गया. अब वहां पर रैंडम वेरिएबल आप एक हेड को एक मतलब नंबर ऑफ हेड्स भी ले सकते हैं, रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ टेल्स को भी. तो ऐसे ही आपने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा रूल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको क्या पता चले, उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फॉर एवरी एक्स, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स, ये हमें पता चल जाए. ऐसा हमें कोई रूल भी डिफाइन करना पड़ेगा. तो अगर हमने वो रूल कैसा डिफाइन कर दिया, लेट या हम ऐसे लिखें, वी कैन डिफाइन दैट रूल एज अगर हम उस रूल को कैसे डिफाइन कर दें कि x ऑफ x इज इक्वल्स टू x इटसेल्फ. अगर हमने रैंडम वेरिएबल जो रूल डिफाइन करते हैं, जैसे आपने कहा टू कॉइंस के टॉसिंग में नंबर ऑफ हेड्स को आपने एक रूल डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स को आपने रूल डिफाइन किया, तो अगर हम क्या डिफाइन कर दें कि रूल क्या है कि जो भी हमने नंबर सेलेक्ट किया रियल एक्सिस से, उसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हम लेंगे वो भी वही वैल्यू ले लेंगे. जैसे आपने टेलीफोन कॉल के एग्जांपल में लिया था कि 0 से 1 सेकंड्स के बीच में कॉल कभी भी आ सकती है, तो सैंपल स्पेस में 0 से 1 तक के सभी पॉइंट्स थे, उनको हमने मैप कैसे किया था कि जो वो सैंपल स्पेस में जिस पॉइंट पर कॉल आएगा उसी को हम रियल नंबर, उतना ही हम रियल नंबर भी असाइन कर देंगे. तो अगर हमने ये रूल डिफाइन कर दिया, मतलब यहां से आप क्या समझ सकते हैं कि जो एक्स है, ये एक्स क्या है हमारा, इट इज आउटकम, दैट इज रियल नंबर जो भी आपका आउटकम आया, एज वेल एज वैल्यू ऑफ, या आप लिखें एज वेल एज करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स. आपका आउटकम क्या है वो भी एक्स है, और उस आउटकम को आप क्या रियल नंबर असाइन कर रहे हैं वो भी एक्स है. उस आउटकम को आपने रियल नंबर भी क्या असाइन किया, वो एक्स ही असाइन किया. तो ये आपने एक जो आपके पास, अगर आपके पास एक डेंसिटी फंक्शन गिवन था fx of x, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके आपने क्या किया, जो भी रियल नंबर्स हो सकते थे उनके पूरे सेट को आपने सैंपल स्पेस डिफाइन कर दिया,
उसके सभी इंटरसेक्शंस, यूनियंस, इंटरवल, इन सबको आपने इवेंट्स डिफाइन कर दिए और फिर आपने ये प्रोबेबिलिटी लिखी। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी को हम इक्वेट कर दें, जो हमारे CDF हमारे पास गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रोबेबिलिटीज लिखते जाएं, तो हमारे पास ये यहां से हम कह सकते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दिया। अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई एक रियल नंबर चुनना और उसको हम देख रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सेलेक्टेड नंबर हमारा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू x1 से छोटा या उसके इक्वल हो। तो यहां से आपने एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर दिया और एक्सपेरिमेंट के बाद आपने रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया कि रैंडम वेरिएबल हमें कैसा आउटकम देगा, मतलब जो भी आउटकम है उसके करस्पॉन्डिंग कैसा रियल नंबर देगा। तो जो आउटकम है, क्योंकि अपने आप में वो भी एक रियल नंबर ही है, तो वही रियल नंबर हम रियल उसको रैंडम वेरिएबल को भी असाइन कर देंगे। तो इसलिए यहां से x ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गई वैल्यू, x आ गई। अब अगर हम यहां से देखें तो अगर हम लिखें कि इवेंट रैंडम वेरिएबल, या आप ऐसे लिखें x लेस देन और इक्वल्स टू x1 कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स फॉर विच x ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू x1। ये समझ रहे हैं, क्योंकि इसी x ऑफ x को ही आपने क्या नाम दे दिया है, x नाम दे दिया। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इवेंट x लेस देन x1 में क्या क्या आपके आउटकम्स होंगे, क्या क्या आपके फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो वो सभी आपके कहां से मिलेंगे आपको, अगर आप रैंडम वेरिएबल को जो आपने वैल्यूज असाइन की हैं डिफरेंट x के लिए, तो वो जितनी असाइंड वैल्यूज हैं जो x1 से छोटी हैं वो सभी क्या आएंगी, इस इवेंट में आएंगी। और इसलिए अगर आपको लिखना हो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x लेस देन और इक्वल्स टू x1, तो ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों इवेंट सेम हो गए, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिंपली किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x1 के बराबर, क्योंकि इस वैल्यू को आपने x ही वैल्यू असाइन की है। और अगर हम यहां तक आ गए तो अभी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि हमारे पास जो CDF गिवन होगा डायरेक्टली हम वहां से ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ऑफ x1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, ये क्या होगा, ऑब्वियसली x लेस देन और इक्वल्स टू x1 है तो ये पॉइंट क्या आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स ऑफ x1 लिखेंगे। तो यही चीज अगर आपके पास ये CDF गिवन था तो उसमें किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा CDF गिवन है जो CDF हमारा ये मोनोटोनिकली अगर 1 तक हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये हमारा CDF है एफ एक्स ऑफ x। अगर हमने यहां पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया x1, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि x1 से छोटे होने की जो भी हम रियल नंबर सेलेक्ट करें उसके x1 से छोटे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x1, लेस देन और इक्वल्स टू x1। कैसे मिलेगा, क्योंकि CDF हमें यही चीज बताती है। तो इस CDF की वैल्यू x इक्वल्स टू x1 पर जो होगी, जो आपके पास CDF गिवन था आपने देखा कि उसकी वैल्यू x1 पर कितनी है, यही पॉइंट इसको आप क्या कहेंगे कि आपका x ऑफ x1 है। तो ये चीज आ गई आपके पास। तो हमने ये कह दिया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट बना लिया, जो भी हमारे पास CDF गिवन होगा उससे हम एक एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं रियल नंबर्स को चुनना और उनकी प्रोबेबिलिटी को इसी CDF से हम फाइंड करेंगे। और फिर हमने कहा कि अगर हम ये रियल नंबर ऐसे असाइन करें कि जो हम रियल नंबर हमने सेलेक्ट किया वही उस रैंडम वेरिएबल को भी हम वैल्यू असाइन कर दें जिससे x ऑफ x की वैल्यू x के ही बराबर हो, तो यहां से हमने लिखा कि अगर ये चीज इक्वल है तो x लेस देन और इक्वल्स टू x1 इवेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो सभी x की वैल्यूज जिनके लिए x ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x1 से छोटी होगी, वो सभी चीजें आएंगी। इसलिए ये दोनों इवेंट सेम हो गए तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम होगी। और अगर इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू x1 होने की इसके बराबर हो गई, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली जो भी हमें रैंडम वेरिएबल का CDF गिवन होगा उस CDF से देखकर फाइंड कर सकते हैं। एंड सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल x, ये हम x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर देखें तो ये चीज सेटिस्फाई होगी और x1 की भी किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम लिखें सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल x1, हेंस वी कैन से दैट द थ्योरम इज प्रूव्ड। हेंस हम कह सकते हैं कि थ्योरम क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, कि हमने अगर हमारे पास कोई एक डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन था तो उससे हमने एक एक्सपेरिमेंट बना लिया और एक्सपेरिमेंट से हमने एक रैंडम वेरिएबल भी डिजाइन कर लिया, जो रैंडम वेरिएबल इस केस में हमने क्या लिया कि हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं रियल नंबर चुनना और उसमें से जो रियल नंबर आया उसको वही रियल नंबर असाइन कर देना, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है x, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ें समझनी है क्योंकि कई बार जब हमारे पास नहीं होंगी चीज़ें, जैसे आपने टेलीफोन कॉल का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने यही प्रोसीजर वहाँ पर अप्लाई किया कि हमें नहीं पता कि अगर हम रैंडम वेरिएबल अगर हम वहाँ चाहते तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई कर सकते थे।
तो यहां तक आ गए हम। अब हम अगर देखें कि जो हमारे कॉमनली एनकाउंटर टाइप के डेंसिटीज फंक्शंस हैं, और पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर हम देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये जो अभी से जो टॉपिक हम लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं विद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम कहें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब हम सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की यहां पर डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के डेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इजी है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो हम दो डेंसिटी फंक्शंस कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम कवर अगर कर पाए, एक गॉसियन और दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो जितने भी नेचुरल फेनोमेना है उसमें से बहुत ज्यादा नेचुरल जो फेनोमेना है वो हमारे फॉलो करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसलिए आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंसिटी फंक्शंस अगर आप देखें तो आपका है गॉसियन, या जिसको आप नाम देते हैं नॉर्मल भी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों के लिए अभी हम बात करेंगे। तो सिग्नल के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट अगर हम ले रहे हैं अपना कॉमन डेंसिटी फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन योर सिलेबस, और वैसे भी हमने बात की मोस्ट ऑफ द नेचुरल फेनोमेना वो इसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप लिखें, लिख सकते हैं इसमें हम अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी अ गॉसियन और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड with parameters mu and sigma, लिखें या sigma square लिखें, sigma as यहां पर लिखेंगे आप, हम density function की बात करें तो पहले अगर हम density function लिखें तो fx of x ये किस form का होगा, 1 upon under root 2 pi sigma square। देखिए हम सिर्फ sigma लिख रहे हैं, x का function है, sigma x भी लेकर चल सकते थे आप, ठीक है, sigma square बस हम लिख रहे हैं, इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो हमारा हमने फॉर्म लिखा है, अगर कोई रेंडम वेरिएबल ऐसा है जिसका डेंसिटी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो सकता है, जहां पर ये हमने डिफाइन बस किया कि म्यू और सिग्मा क्या है, कुछ पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ऐसे डेंसिटी फंक्शन रखने वाले रेंडम वेरिएबल्स को हम नाम देंगे अपना गॉसियन रैंडम वेरिएबल या फिर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका जो शेप होगा, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व दैट इज सिमेट्रिकल, दैट विल बी सिमेट्रिकल अराउंड द पैरामीटर, सिमेट्रिकल अराउंड द पैरामीटर म्यू। ये हमारा बेल शेप का कोई फंक्शन होगा जो हमारा सिमेट्रिकल होगा म्यू के अराउंड। जैसे मान लीजिए हम यहां पर ये दो बस वैल्यूज अगर हम ड्रॉ करें कि हमारे पास एक ये हमारा है एफ एक्स ऑफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये म्यू है, और एक दूसरा हमारे पास फंक्शन है, यही पीडीएफ ही है हमारे पास, वो भी अगर वो पीडीएफ हमारे पास
यस सर, एफ एक्स ऑफ एक्स स्मॉल एफ एक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो म्यू हम ले रहे हैं, दोनों में हमने सेम म्यू ही दिखाया, मतलब ये दोनों वैल्यूज मान लिए हमने ये सेम है। अगर हम इसके लिए लिखें, देखिए जो नॉर्मल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कैसा, अगर कोई आपका गॉसियन रैंडम वेरिएबल है या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो उसके केस में हम रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज एक्स नॉर्मल पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा। तो रैंडम वेरिएबल अगर गॉसियन नेचर का है तो ये नोटेशन हम यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स डेंसिटी, एक्स एन ये नॉर्मल के लिए हमने लिखा और म्यू और सिग्मा ये दोनों हमने पैरामीटर्स लिखे, म्यू सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर ये दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर नॉर्मली आपको दिखेगी चीज। तो अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है, पीडीएफ लिखा है। तो अगर हम मान लीजिए कि जो दो हमने फंक्शंस लिखे हैं, अगर ये हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जिसके लिए अगर हम लिख रहे हैं इट इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विथ म्यू एंड सिग्मा वन, और ये जो हमारी वैल्यू है लिखे इसको हम सिग्मा वन स्क्वायर, और ये हमारा है दैट इज म्यू एंड सिग्मा टू स्क्वायर। तो यहां से आपके सिग्मा टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा वन स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, सबके हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो आपको स्प्रेड दिख रहा है, जो मीन के अबाउट जो आपको स्प्रेड दिख रहा है, ये स्प्रेड जिसका जितना ज्यादा होगा, मतलब अगर आप देखें तो यहां पर हमारी जो वैल्यू है सिग्मा टू, अगर हम सिग्मा टू का स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब ये हमने अपोजिट लिखा है इज सिग्मा वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन वॉट सिग्मा टू स्क्वायर। ये सभी चीजें हम देखेंगे भी डिटेल में। और यहां पर आपके लिए जो एक काम है वो काम आप ये कर सकते हैं कि आप इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। अगर यहां पर हमने मान लिया कि ऐसा हमारे पास, ये अच्छे से बना लीजिएगा आप, गॉसियन कर्व आप सबको पता है, तो इसको अगर हम ऐसा ये मान लें कि यहां पर हमारे सेंटर्ड है, अगर ये वैल्यू है म्यू, तो अगर आपको ये तीन वैल्यूज चाहिए कि अगर आप ये किसकी वैल्यू देख रहे हैं, ये एक्स के रिस्पेक्ट में आप ये वैल्यूज देख रहे हैं, तो अगर आप यहां पर देखिए कि क्या वैल्यू होगा, अगर हम क्या लें इस पॉइंट को, हम क्या कह सकते हैं इट इज एक्स इक्वल्स टू म्यू। अगर एक पॉइंट है जहां पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए अगर हम ये कहें कि एक्स माइनस म्यू का जो मैग्नीट्यूड है अगर ये सिग्मा के बराबर है, यहां पर भी अगर हम जो एक्स ले रहे हैं ये एक्स कैसा हो जिसके लिए एक्स माइनस म्यू का मैग्नीट्यूड अगर ये सिग्मा के बराबर हो, तो उन दोनों पॉइंट्स पर बताइए कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। और ऐसे ही अगर आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, सपोज ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के लिए अगर आप कह रहे हैं कि यहां जो x की वैल्यू आ रही है, इन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग ये जो x की वैल्यूज आएंगी, इन x की वैल्यूज के लिए अगर हम देखें कि यहां जो x की वैल्यू होगी, आप कह रहे हैं कि यहां पर x माइनस म्यू का जो मैग्नीट्यूड है अगर ये 2 सिग्मा के बराबर है, यहां पर भी जो x माइनस म्यू इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर ये भी हमारे किसके बराबर है, 2 सिग्मा के बराबर है, तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी, ये अगर आपको फाइंड करना है किसके लिए, फॉर एफ एक्स ऑफ एक्स विच इज नोन टू बी वॉट वन अपॉन अंडर रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर इन टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर। देखिए, तो एक वैल्यू तो आप यहां से देखकर ही बता सकते हैं, अगर आपने एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू जीरो ले लिया, मतलब अगर आपने एक्स इक्वल्स टू म्यू ले लिया तो एक्स माइनस म्यू की वैल्यू जीरो, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल का पावर जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई वन। तो ये पॉइंट तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगी। अगर आपने x माइनस म्यू का मैग्नीट्यूड चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपने ये माना कि ये सिग्मा के बराबर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गए, मतलब ये वैल्यू कितनी आई, e टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो यहां जो वैल्यू मिलेगी वो e टू द पावर माइनस वन बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में सेम चीज अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर होगी। ऐसे ही अगर आपने इसको 2 सिग्मा के बराबर ले लिया, इस डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को, तो स्क्वायर क्या होगा, 4 सिग्मा स्क्वायर होगा। तो 2 सिग्मा स्क्वायर 4 सिग्मा स्क्वायर कैंसिल होकर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहां पर e टू द पावर माइनस 2 अपॉन यही वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप फाइंड कर लेना, इनकी वैल्यूज को लिख लेना, ये 0.135 समथिंग, ये 0.62 ऐसे कुछ वैल्यूज आएंगे, इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या डिफाइन किया कि हम किसी रैंडम वेरिएबल को कहेंगे कि ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, प्रोवाइडेड कि उसका जो CDF है, उसका जो PDF है डेंसिटी फंक्शन, वो अगर हम इस फॉर्म में लिख पाए जहां पर हमारे सिग्मा और म्यू को हमने कहा कि ये पैरामीटर्स होंगे जिन पर बेस्ड हम उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डेंसिटी फंक्शन हम लिख रहे हैं। जैसे आपने ये डेंसिटी फंक्शन लिखा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, तो क्या मिल जाएगा हमें,
अगर ये पीडीएफ है तो यहाँ पे सीडीएफ की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहीं पर लिखूं, इसके लिए अगर हम लिखें, ठीक है अलग से लिख लेते हैं हम, तो आपने लिखा फॉर गॉशियन रैंडम वेरिएबल जो पीडीएफ है, पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स, ये आपने लिखा वन अपॉन अंडर रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर, ये हमने लिखा इसका पीडीएफ। अगर हम यहीं से लिखते सीडीएफ, तो सीडीएफ क्या आता? एफ एक्स ऑफ एक्स। क्या करते हैं उसके लिए हम? माइनस इंफिनिटी से लेकर एक्स तक हम इंटीग्रेट करते हैं। किसको? अपने पीडीएफ को। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो हमारी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ये। अब क्योंकि हम x ही लिमिट पुट करने वाले हैं तो हम इसमें x की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हम लिख दें y, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? e टू द पावर माइनस ऑफ y माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर dy। मतलब ये जो भी फंक्शन था हमने इसमें बस x की जगह पर y यूज कर लिया, dy के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर लिया, और लिमिट हमें पता है कि एफ एक्स ऑफ एक्स अगर होता है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये जो चीज मिलती है इसको आप इन टर्म्स ऑफ गॉशियन रैंडम वेरिएबल इसको आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं जी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये क्या हमारा? जी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अगर यहां पर हम देखें कि अगर ये जी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हमारा ये फंक्शन है, तो अगर हम यहां पर म्यू की वैल्यू जीरो और सिग्मा की वैल्यू को वन ले लें तो हमारा ये फंक्शन जी ऑफ एक्स डिफाइन हो जाएगा। तो यहां से अगर हम जी ऑफ एक्स डिफाइन करें तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं कि वेयर g of x is equals to, अगर यहां पर आप सिग्मा की वैल्यू को 1 और म्यू की वैल्यू को 0 अगर पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू x 1 अपॉन अंडर रूट टू पाई e टू द पावर माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर dy। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम क्या नाम देंगे? g of x नाम देंगे। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको गॉशियन में समझ में नहीं आएगा। आपने सिंपली ये डिफाइन कर दिया कि किसी रैंडम वेरिएबल को हम गॉशियन कहेंगे उसका पीडीएफ अगर इस नेचर का हो, और पीडीएफ का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक हमें सीडीएफ देता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इसका इंटीग्रेशन, ये तो कॉन्स्टेंट था, बस यहां पर एक्स की जगह हमने वाई ले लिया क्योंकि हम इंटीग्रेट करके फाइनली एक्स की लिमिट फॉर्मल लिमिट पुट करने वाले, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या? सीडीएफ आ गया। अब अगर इसी CDF को हमने कहा कि ये हमारा अगर गॉशियन वेरिएबल है तो इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज गॉशियन के लिए हमने G यूज किया x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर हम यहां पर देखें कि अगर हम म्यू की वैल्यू को 0 और सिग्मा की वैल्यू को 1 ले लें तो यही चीज हमारा फंक्शन GX डिफाइन करेंगी। तो बाई डेफिनेशन जी ऑफ एक्स इज वॉट? इस जो भी आपका CDF था इसकी वैल्यू फॉर म्यू इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एंड e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर डी वाई, ठीक है ये चीज आ गई। अब यहां से ये जो हम फैक्टर ले रहे हैं, ये जो हम फैक्टर ले रहे हैं अंडर रूट ऑफ टू पाई सिग्मा स्क्वायर, आप यहां से ये लिख सकते हैं कि दिस फैक्टर, दिस कॉन्स्टेंट अंडर रूट ऑफ टू पाई सिग्मा स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। क्यों यूज करते हैं इसको हम? इसी को हम नाम देंगे आगे क्यू भी नाम देंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा क्यू इस फॉर्म में कैसे आएगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, विच इज यूज, इट इज यूज टू मेंटेन, टू मेंटेन द एरिया अंडर पीडीएफ इक्वल्स वन, इक्वल्स टू यूनिटी। क्योंकि अगर हम पीडीएफ डिफाइन करें, अगर हमें सिर्फ गॉशियन कर्व डिफाइन करना होता तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका एरिया वन ही हो, ऐसा हम डिफाइन करें। लेकिन अगर हम पीडीएफ के लिए डिफाइन अगर हम करना चाहते हैं तो उस केस में हमारे उसके अंदर का एरिया क्या होना चाहिए? हमेशा ही वन होना चाहिए। तो वन एरिया लेने के लिए ही हमने क्या डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया एक, ये जो हमने डिवाइड किया वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर से अंडर रूट, ये हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इस टोटल फंक्शन का एरिया क्या हो सके? वन हो सके। तो आपको जो चीजें थोड़ी सी हम अगर रिकॉल करना चाहें, जैसे अगर मान लीजिए ये जो हमारा फंक्शन है इसको आपको अलग से समझना है, ये कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जो आपने लिखा है एफ एक्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट,
ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू देखें, अगर हम इसकी वैल्यू कहां पर देखें, एट म्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या ले लें, अगर सिग्मा की वैल्यू हम ले लें वन अपॉन अंडर रूट टू पाई, अगर हम सिग्मा की वैल्यू कितनी ले लें वन अपॉन अंडर रूट टू पाई और म्यू की वैल्यू हम कितनी ले लें जीरो, तो अगर ये सिग्मा वन अपॉन अंडर रूट टू पाई है तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू पाई होगी, तो ये टू पाई और टू पाई कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप देखें तो उस केस में इस एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू, ये तो टर्म हो गया वन, टू पाई इंटू वन अपॉन टू पाई, तो ये टर्म हो गया वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने म्यू की वैल्यू को क्या पुट कर दिया जीरो, तो ये टर्म क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर हम देख रहे हैं टू सिग्मा स्क्वायर, दैट इज टू इंटू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वन अपॉन टू पाई, तो यहां से ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा और आपको ये वैल्यू कितनी मिलती, दैट इज इक्वल्स टू वॉट ई टू द पावर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन मिलता। तो अगर आप गेट अकेडमी से अगर आपने क्लास की है तो आपको ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है उस केस में हम सिंपली ऐसा एक गॉसियन फंक्शन दिखाते थे, ये हम अगर टी के रिस्पेक्ट में लिखते थे, हम इसको लिखते थे एफ ऑफ टी दैट इज ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, आपने देखा था ये टी के रिस्पेक्ट में, और फिर उस केस में हम ये लिखते थे कि ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का जो एरिया होगा, इसका एरिया और एनर्जी, ये आपने वैल्यूज फाइंड की थी कितनी वन, तो ये एरिया कितना है इसका, एरिया की वैल्यू वन है, सॉरी, तो ये इसका एरिया हमने कितना फाइंड किया था वन फाइंड किया था। तो अगर इस फंक्शन का हम देखें तो एरिया हमारा वन है, अगर इसको यूज करके आप चाहे पाई टी स्क्वायर लिखें या ई टू द पावर माइनस पाई एक्स स्क्वायर लिखें, इन सभी के लिए एरिया की वैल्यू क्या होगी वन होगी, टी एक्स ये तो हम वेरिएबल्स बस ले रहे हैं, तो इसलिए अगर हम इसके टर्म्स में भी देखना चाहते तो हम बता सकते थे कि इस फंक्शन का एरिया कितना है, और जो भी इसका एरिया आएगा अगर वो वन नहीं है तो उसी चीज को वन बनाने के लिए हमने यहां पर ये चीज यूज की है, दैट इज वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर। तो अब हम यहां पर डिफाइन करते हैं एक फंक्शन और उससे हम इसको रिलेट करेंगे कि क्यों हमने ये कांस्टेंट की वैल्यू वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर ही ली है। तो यहां से हम कुछ चीजें और देख लेते हैं इसके केस में। तो अभी तक सिर्फ हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है कि गॉसियन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके डेंसिटी फंक्शन के लिए हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और अगर डेंसिटी फंक्शन का एक्सप्रेशन पता है तो उस डेंसिटी फंक्शन के एक्सप्रेशन को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे अगर देखें कि नॉर्मलाइजेशन जो आपने कांस्टेंट डिफाइन किया उसकी वैल्यू आपने वही क्यों डिफाइन की है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, आगे जाकर चीज़ें बहुत ही आसान होने वाली हैं, एटलीस्ट मतलब थ्री फोर क्लासेस उसके बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, बस आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि डेंसिटी फंक्शन है हमारी एफ एक्स ऑफ एक्स से आपने लिखा, दैट इज वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम डिफाइन करें एरिया अंडर द फंक्शन, अगर हम मान लें एरिया ऑफ ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, अगर हम इस पार्ट का एरिया अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, अगर हम मान लिया हमने एरिया ऑफ दिस फंक्शन ई टू द पावर माइनस ऑफ, अगर ये एक्स का फंक्शन है तो हमने एरिया की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, एरिया पर टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं होता, एरिया पर टाइम रिवर्सल का इफेक्ट नहीं होता। तो एरिया पर किसका इफेक्ट होता है, स्केलिंग का इफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट होता है, ये सभी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो अगर हम कहें कि इस फंक्शन का एरिया, तो क्या ये एरिया हम इक्वल लिख सकते हैं, अगर हमने यहां जो शिफ्टिंग थी अगर हमने उसको हटा दिया और अगर हम कहना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया इक्वल होगा इस फंक्शन के एरिया के, क्या ये दोनों फंक्शंस का एरिया इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा क्योंकि एरिया पर शिफ्टिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस फंक्शन का अगर हम एरिया लिखें तो इसका एरिया क्या होता, एरिया क्या लिखते हैं हम, जिस फंक्शन का एरिया चाहिए आप उसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, किसका एरिया चाहिए,
एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर का, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर हम इसको एक नाम दे दें, लेट इट इज क्यू, ये क्या हमारा कोई कॉन्स्टेंट क्यू है, एरिया है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, हमने उसको क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो अगर हम यहां से क्यू स्क्वायर देखें तो क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, आपने इसको इसी चीज से मल्टीप्लाई अगर किया है तो हमने लिखा ये आपके पास दो इंटीग्रेशन आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक के केस में मान लीजिए आप x लिख रहे हैं, दूसरे को अगर हम y लिख लें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, ऐसी चीज आ गई। इसको और हम अगर चाहें तो सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते थे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। अब अगर देखिए, जब भी इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है तो एक बहुत ईजी अप्रोच क्या हो जाता है, अगर आप देखें कि मान लीजिए आप ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपका एक सरफेस इंटीग्रल है, ये आपको दिख रहा है, ये डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल है। ये हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा ओवरऑल कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है एफ ऑफ कोई, ये हमारा फंक्शन है, और अगर हम मान लें कि ये चीज़ हमारी क्या है डी एस है, तो ये एफ एस डी एस, तो ये जो डी एस आपको दिख रहा है, जो एलिमेंट्री आप सरफेस ले रहे हैं, ये डी एस किस किस से मिलकर बन रहा है, एक्स और वाई से मिलकर बन रहा है। तो अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से मिलकर कोई आपका सरफेस बन रहा है तो उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जो इसमें इंक्लूड नहीं है मतलब जेड डायरेक्शन में, मतलब डी एक्स डी वाई, ये आपका अगर आप देख रहे हैं तो किस डायरेक्शन का एरिया दे रहा है आपको, z डायरेक्शन का। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि इसी फ्लोर पर अगर हम बात करें, ये तो आपको दिख रहा है ये z डायरेक्शन है, ठीक है, इससे अगर आपकी तरफ मैं कैमरे की तरफ मूव करूं अगर, तो ये डायरेक्शन अगर आपने मान लिया x डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में मूव करना अगर मान लिया आपने ये y डायरेक्शन, मतलब जो फ्लोर है आपकी वो x और y से मिलकर के बनी हुई है, तो फ्लोर z डायरेक्शन है। तो इसलिए अगर ये एरिया है dx dy से मिलकर बनाया, मतलब ये एरिया किस डायरेक्शन का है, z डायरेक्शन का एरिया। अगर हम यहां पर सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जाते हैं तो आप जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, रो कॉस थीटा या रो कॉस फाई, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, रो साइन फाई, और z की वैल्यू तो क्या होती है, z ही होती है, दोनों में z इक्वल्स टू z। तो ये चीजें आपको इजी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, आपको अगर किसी को डाउट अगर हो, जैसे मान लीजिए ये आपके, हम सिर्फ अभी एक्स वाई के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पर एक्स एक्सिस का कुछ कंपोनेंट था सपोज हमने कहा एक्स, और वाई एक्सिस का कुछ कंपोनेंट था सपोज हमने कहा वाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, ये आपके इन दोनों के रिजल्टेंट को शो कर रहा है ये वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी चीज को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या कहते हैं, ये क्या है आपका आर है, या जिसको आप कहें रेडियस है आपका रो, इसी चीज को आप क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो अगर आप ये एंगल डिफाइन कर दें कि x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, अगर आप इस एंगल को फाई मान लें, तो ये जो आपका x कंपोनेंट है, इस x कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो कॉस फाई, और ये जो आपका y कंपोनेंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो साइन फाई। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आपको देखना है थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है, ये आपका मान लिया हमने, ये हमारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये जो पॉइंट था अभी जो हमने एक्स वाई प्लेन में शो किया है, अगर मान लीजिए कि उस पॉइंट को हम एक सिलेंडर पर शो कर रहे हैं, मान लिया हमने ये हमारे पास, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं हूं मैं तो बिल्कुल, अगर ऐसा बनेगा कुछ तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये मान लीजिए आपको एक सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, इसमें अगर एक्स और वाई से बना हुआ कोई पॉइंट है, यहां मान लीजिए हमने एक ये पॉइंट ले लिया, जब भी आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है उसको आपने प्रोजेक्ट किया एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट को, और इसको अगर आपने यहां सेंटर से मिलाया, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस होगा रो,
क्योंकि जो सिलेंडर पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो मतलब वो उसका डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका रेडियस क्या है, रो है। अगर आप इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देखें तो आपने अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और इस पॉइंट से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंसेज हैं जीरो से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा एक्स, जीरो से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या होगा वाई। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से यही एंगल है आपका फाई, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है जीरो से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो कॉस फाई, और ये जो वाई आप ले रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो साइन फाई आ जाएगी। तो इस केस में आप जानते हैं कि एक्स इक्वल्स टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू रो साइन फाई, जेड इक्वल्स टू जेड, ये तो सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन टू सिलेंड्रिक के लिए कन्वर्जन है। इसके साथ ये भी आप जानते हैं कि जैसे आप एलिमेंट्री सरफेस जो लिखते हैं कार्टेशियन के केस में वो क्या लिखते हैं आप, डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई एंड डी जेड ए जेड, तो ये चीजें आप सिलेंड्रिकल के केस में क्या लिखते हैं, डी एस इज इक्वल्स टू डी रो ए रो, रो डायरेक्शन का सरफेस, डी रो ए रो आपके फाई डायरेक्शन का सरफेस, रो डी फाई ए फाई और जेड डायरेक्शन का सरफेस डी जेड ए जेड। तो आपका ये जो सरफेस था ये डी एक्स डी वाई था, मतलब ये जेड डायरेक्शन का सरफेस था। सरफेस कैसे निकालते हैं हम, अगर हमें जेड डायरेक्शन का सरफेस चाहिए, ये आपकी एलिमेंट्री लेंथ है, ये क्या आपकी एलिमेंट्री लेंथ है, तो अगर हमें लेंथ पता है और हमें सरफेस चाहिए तो कैसे निकालते हैं आप, जैसे आपको जेड डायरेक्शन का सरफेस चाहिए तो जेड को छोड़कर बाकी दोनों का आप क्या ले लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, डी एक्स डी वाई और ए एक्स क्रॉस ए वाई इक्वल्स टू क्या दे देगा आपको, ए जेड दे देगा। तो अगर आपको जेड डायरेक्शन का सरफेस चाहिए तो कार्टेशियन में क्या होती है, वैल्यू डी एक्स डी वाई होती है जो यहां पर लिखी हुई है। अगर यही जेड डायरेक्शन का सरफेस हमें सिलेंड्रिकल में चाहिए तो क्या वैल्यू होगी, जेड डायरेक्शन के सरफेस के लिए आपने अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो डी रो इंटू डी फाई और ए रो क्रॉस ए फाई की वैल्यू ए जेड होती है, आपको पता है। तो मतलब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि अगर हम x इक्वल्स टू रो कॉस फाई पुट कर दें, y इक्वल्स टू रो साइन फाई पुट कर दें, और इसके साथ ये जो डी एक्स डी वाई है जो हमें z डायरेक्शन का सरफेस एरिया दे रहा है, एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, रो डी रो डी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इतना ऐसा नहीं है कि कुछ, कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसी इंटीग्रल को अगर सॉल्व करने का हम एक इजी मेथड देखें तो ये जो हमारा z डायरेक्शन का सरफेस है इसको हमने सिलेंड्रिकल के केस में ऐसा लिख लिया, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अगर आप यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, देन इट इज इक्वल्स टू वॉट, रो स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, रो स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये जो आपका इंटीग्रल था, इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए कैसी कन्वर्ट हो गई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब ये जो लिमिट्स हैं, पहले डी एक्स और डी वाई की लिमिट थी, ये एक्स के लिए लिमिट थी और ये वाई के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कार्टेशियन में एक्स हो वाई हो जेड हो तीनों वैल्यूज वेरी कर सकती हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इस केस में जो आपका रो है वो रेडियस है, आप यहां पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ई टू द पावर, हमने कहा ये वैल्यू हो जाएगी रो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सिग्मा स्क्वायर इंटू, हमने डी एक्स डी वाई को क्या कहा, क्या लिख सकते हैं हम, रो डी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पहला इंटीग्रेशन है ये रो की लिमिट बताएगा, जो आप रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ये आप रेडियस ले रहे हैं रो, तो रो कहां से कहां वेरी कर सकता है, रेडियस की लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी होगी, जीरो से छोटी नहीं हो सकती रेडियस की वैल्यू, तो ये आपने फर्स्ट लिमिट लिखी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और सेकंड जो लिमिट लिख रहे हैं वो आप किसके लिए लिख रहे हैं, फाई के लिए, और आपको पता है सिलेंड्रिकल के केस में जो फाई एंगल है एक्स एक्सिस से, जो एंगल आपका जो भी वेक्टर बना रहा है वो एक्सिस कहां से कहां वेरी कर सकता है, वो एंगल जीरो से टू पाई वेरी कर सकता है। तो इसलिए ये जो सेकंड लिमिट्स आपने ली, ये सेकंड लिमिट आपने कहां से कहां तक ली, जीरो से टू पाई तक ली। अब देखिए कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका पहला इंटीग्रेशन, सपोज हमने कहा कि पहले हम इतने पार्ट को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, ये जो हमारा रो का फंक्शन दिख रहा है इस पूरे को एक बार हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब क्योंकि आप लिमिट्स पुट कर रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा एक कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को आप बाहर रखकर इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग से। तो अगर आपने पहले इस डी फाई का ही इंटीग्रेशन देख लिया, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में डी फाई का इंटीग्रेशन, अगर आप डी फाई को बस इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और फाई में लिमिट्स पुट करेंगे टू पाई से जीरो, हम इसकी रिजल्ट देख रहे हैं। ये रिजल्ट अगर हमारे पास सिर्फ जीरो से टू पाई
और डी फाई। अगर हमने इसको पहले कैलकुलेट किया तो ये फाई की वैल्यू 0 to 2π, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2π। मतलब ये जो हमारा इंटीग्रल था जिसको पहले हमने इस फॉर्म में लिखा था, हमने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये डबल इंटीग्रेशन है तो इसमें एक इंटीग्रेशन को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 2π। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो अगर हमने इसको लिख लिया, चलिए तो ये हमने लिख लिया कि q स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास दो इंटीग्रल में थी, एक 0 से 2π और एक 0 से ∞, e^-ρ²2σ²(ρ×d ρ×dφ). हमने कहा इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, एक इंटीग्रल 0 to 2π dφ को सॉल्व कर लें पहले, वैल्यू आ जाएगी 2π। उसके बाद हमारे पास ये इंटीग्रल रह गया 0 से ∞ e^-ρ²(2σ²)(ρ×dρ). ये हमारे पास अब इंटीग्रल आ गया। तो जब भी आपको लिमिट्स में 0 to ∞ दिख रही है वैल्यू और आपको एक्सपोनेंशियल का भी टर्म दिख रहा है, तो अगर आप याद करें अपने गामा फंक्शंस को, तो गामा ऑफ n क्या लिखते हैं आप, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e^-x(x^n-1) dx, इस फॉर्म का ये फंक्शन होता है। तो अगर हम इस फॉर्म में लाने के लिए, या वैसे भी नॉर्मली भी अगर आपको इस फॉर्म में नहीं भी जाना होता, अगर आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना होता, तो आपको पता है कि इसका बेसिक अप्रोच क्या है। एक्सपोनेंशियल के पावर में जो चीज़ है, अगर हम इसको कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दें, अगर हम ये मान लें कि यहाँ जो हमारे पास टर्म है ρ²/2σ², अगर इस पूरी चीज़ को मान लीजिए हमने क्या पुट कर दिया, यू मान लिया, अगर ये पूरी चीज़ हमारी यू है, अगर हम दोनों तरफ रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या चीज़ मिलेगी हमें, 2ρ/2σ²(du/dρ). ठीक है, ये यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो रो डी रो की वैल्यू होगी, इस केस में हम रो इंटू डी रो को किसके बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इंटू डी यू के बराबर लिख सकते हैं। तो जब हमारे रो की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमें लिमिट्स भी देखनी है, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे, तो अगर आप रो की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यू की वैल्यू भी 0 मिलेगी इस एक्सप्रेशन से, और अगर आप रो की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यू की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिलेगी। मतलब लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इसलिए अब यहां से आप और क्या लिख सकते थे, q स्क्वायर को हम लिख सकते थे, जो आपका पहले 2π आप ले रहे हैं, इंटीग्रेशन आपकी लिमिट्स वही रह गई 0 से लेकर ∞ के बीच में, और आपने इस फंक्शन को लिखा e^-u, क्योंकि इस पूरी चीज को आपने क्या मान लिया, u मान लिया, तो आपने इस इंटीग्रल को सिंपली क्या लिख लिया, e^-u इंटू ये जो टर्म था हमारा रो डी रो, इस रो डी रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, σ²du लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया σ²du। अब क्योंकि σ² कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2π σ² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ e^-u du। तो या तो देखिए आप इसको गामा फंक्शन से भी कंपेयर कर सकते थे, ये जो फॉर्म है आपकी, ये जो चीज़ लिखी हुई है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e^-u, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे (u^-1-1du) ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर ये चीज़ e^-u बस है, u का पावर नहीं है, तो u का पावर आप 1-1 लिख सकते हैं। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 1 है। मतलब इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, गामा ऑफ 1 कह सकते हैं, और गामा ऑफ 1 की क्या वैल्यू होती है, ये भी आपको पता है, गामा ऑफ 1 इज नथिंग बट 1। तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब इस पूरे इंटीग्रल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो वैल्यू आएगी 1। आप इतना नहीं करना चाहते, सिंपल इंटीग्रेशन है e^-x dx के फॉर्म की चीज, तो क्या वैल्यू होती है इसकी, 2π σ²(e^-u) का इंटीग्रेशन e^-u/-1, और इसमें आपने लिमिट्स पुट की फ्रॉम 0 to ∞। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 1, तो ये -1/-1, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2π σ² आ गई। आपको वैसे भी याद रखना है, अगर e^-at(ut) होता है तो इसके लिए आपको पता है कि एरिया, इसके लिए एरिया की वैल्यू 1/a एंड एनर्जी इज व्हाट, 1/2a। अगर यहीं पर e^-a mod of t आ जाए तो इसके लिए भी आपको पता है एरिया डबल हो जाएगा, दैट इज 2/a, और एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मतलब एनर्जी इज व्हाट, 1/a, इट इज नॉट पाई, इट इज a।
तो इससे भी आप फाइंड कर सकते थे, अगर आप 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं मतलब ये e टू द पावर माइनस टी डी टी के फॉर्म की चीज़ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो इसलिए एरिया कितना होता 1/1 दैट इज 1, तो इस पूरे का एरिया आ गया 1, तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप ये किसकी वैल्यू लेकर चले हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2π σ², तो यहाँ से q की वैल्यू क्या मिल गई आपको, √2π σ². देखिए अब यहां से हम ये क्या लेकर चले थे, हमने q फाइंड किया, फिर से आ जाइए इधर, हमने ये देखा कि हमारे पास जो गॉसियन फंक्शन है उसको अगर हम मान लें कि ये कोई इस फंक्शन का एरिया कुछ भी हमारे पास अगर है, मान लीजिए हमने देखा कि इस फंक्शन के एरिया को अगर हम मान लें कि इसके एरिया की वैल्यू कितनी है, q है। अगर हमने कहा कि ये जो हम गॉसियन फंक्शन का पीडीएफ लिख रहे हैं अगर इस पार्ट में जितना एरिया है अगर हम उसको क्यू मान लें, तो अगर आपको पता है कि एक्स टी फंक्शन का एरिया अगर ए है तो उसमें अगर हम एम्पलीट्यूड स्केल कर देंगे तो जितने फैक्टर से आप एम्पलीट्यूड स्केल करते हैं उतने फैक्टर से एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इसका एरिया क्यू है, अगर हम ये जो टर्म ले रहे हैं अगर हम ये 1/q के बराबर ले लें तो 1/q × q टोटल एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आपने डिफाइन किया कि यहाँ हम किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कि इस ओवरऑल पीडीएफ की वैल्यू 1 हो जाए। तो उसके लिए हमने देखा कि हम पहले ये फंक्शन लें या फिर यहाँ पर सिंपली x ले लें, क्योंकि शिफ्टिंग से एरिया को फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। अब हमने कहा कि इसका एरिया कितना होगा, तो हमने इसके एरिया को मान लिया कि एरिया कितना है, क्यू है, सिर्फ इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का बस एरिया हमने म्यू को जीरो करके, क्योंकि एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा शिफ्टिंग का, तो हमने माना कि इसका जो एरिया है अगर वो एरिया कितना है, क्यू है। तो q को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो भी फंक्शन आप ले रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको डिफाइन करने के लिए हमने इसको q को q से ही मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिखा q स्क्वायर, यहाँ जैसे हमने हर जगह x लिया था तो दूसरे केस में हमने q को क्या ले लिया, y ले लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको मर्ज करके हमने क्या लिख लिया, माइनस में x² + y² / दिस। फिर हमने कहा कि इसको हम कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये z डायरेक्शन का एरिया क्या हो गया, ρ d φ, ये आपने लिख दिया यहाँ पर q = ρ d φ। उस केस में x² + y² को हम ρ² लिख सकते हैं, तो ρ² लिख दिया हमने, ये 2σ² आ गया, माइनस साइन, कुछ भी चेंजेस नहीं है, और रो की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी चेंज होगी और फाई की वैल्यू 0 से 2π चेंज होगी। हमने इस इंटीग्रल को पहले निकाल लिया, 0 से 2π d φ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2π, तो इसलिए हमने इस q² की वैल्यू को और लिख लिया कि q² जिसकी वैल्यू इसके बराबर होनी थी, तो 2π इस d φ को हटा दिया हमने, आगे वैल्यू 2π, अब सिंगल इंटीग्रेशन बच गया हमारा ये वैल्यू। फिर हमने कहा कि इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हम इसको एक कोई वेरिएबल पुट कर देते हैं u, तो जब हमने इसको u पुट किया तो हमने देखा कि ρ d की वैल्यू σ² d u के बराबर आएगी, और ये इंटीग्रल हमारा इजीली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये हमने देखा कि q² की वैल्यू इतनी है, तो q की वैल्यू इसके अंडर रूट के बराबर है, तो इसलिए हमने देखा कि अगर f, फिर हमने ये लिखा कि f एरिया ऑफ e टू द पावर x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2σ², अगर इसका एरिया हम लिख रहे हैं q है, तो अगर हम यहां पर क्या ले लें, एरिया ऑफ 1/q टाइम्स e टू द पावर x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2σ², अगर हम अब इस फंक्शन का एरिया देखेंगे तो इस फंक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए जो आप इसके पहले जो आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपने लिया वो 1/q, उसमें से q को ही आपने कहा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, q = आगे वैल्यू 2π σ² का अंडर रूट। तो यहाँ पर आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आपको पता है कि f(x)(x) = 1/q = 1/√2π σ² e टू द पावर x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2σ². तो इसको हमने क्या कहा, रैंडम वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको n म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी में स्पेशल केस ले लें, फॉर f μ = 0 एंड σ = 1, अगर हम क्या वैल्यूज ले लें, अगर हम म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू को 1 ले लें, तो हम डिफाइन करते हैं then the Gaussian random variable is known as standard
गॉशियन रैंडम वेरिएबल। तो उस केस में देखिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, एफ एक्स ऑफ एक्स, उस केस में क्या वैल्यू होगी, अगर आपने सिग्मा की वैल्यू को 1 ले लिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अगर आपने ये सिग्मा को 1 ले लिया तो ये डिनोमिनेटर में बस 2 बचा, म्यू आपने 0 ले लिया तो यहाँ क्या बचा, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बचा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड गॉशियन फंक्शन का पीडीएफ कहलाएगा। और सीडीएफ क्या लिखा था आपने, अभी आपने लिखा था सीडीएफ, दैट इज सीडीएफ आप लिखते 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर dy, ऐसा लिखते आप। अब इसमें आप अगर देख रहे हैं कि अगर हम म्यू की वैल्यू को 0 ले लें तो ऊपर सिर्फ क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, ये भी सिर्फ क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2 पाई आएगी। तो उस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके एफ एक्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। और अगर आप देखें तो यही वैल्यू किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है, जो आपने जी एक्स डिफाइन किया था फॉर म्यू इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1, तो यही आपका क्या है, जी एक्स है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, ये स्टैंडर्ड अगर लिखा हुआ है तो ये चीज़ आ गई स्टैंडर्ड गॉशियन रैंडम वेरिएबल, या अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं है गिवन तो वहाँ पर म्यू और सिग्मा की कुछ वैल्यूज स्पेसिफाइड होंगी, वो आपको देखना है। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट अब यहाँ से ये आ गई कि ये हमारे गॉशियन पीडीएफ का नॉर्मल एक्सप्रेशन है, जिसमें ये जो फैक्टर हम ले रहे हैं इस फैक्टर को हम नाम देते हैं क्यू, और क्यू को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और ये हमने देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, अगर हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन को तो ओवरऑल इस फंक्शन के अंदर का एरिया 1 हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अगर हमें कहना है कि ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी यूज नहीं है, उसको याद आपको रखने की, उसको समझने की, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये रैंडम वेरिएबल अगर गॉशियन है तो उसका ये पीडीएफ होगा, और क्यू की वैल्यू ये हमारे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये ऐसी होगी। तो गॉशियन हमने कहा कि क्यों, कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना है, उसमें बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गॉशियन को अप्रोच करता है। जैसे आप अगर देखें तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को अगर हम देखें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल फेनोमेना अप्रोचेस टू गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट मैक्सवेल हैव सीन इज, उसके लिए अगर हम लिखें तो मैक्सवेल ने ये देखा था, मैक्सवेल कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द अजम्पशन दैट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग गिवन velocity component is only the function of magnitude of velocity and not of their direction approaches Gaussian or we can say normal distribution। तब तक आप इसको पढ़ के समझिए, मैं इस बोर्ड वर्क करता हूँ इसको रब में, फिर हम नेक्स्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और उस पर हम अपनी क्लास को आज ये हम यहाँ तक आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पढ़िए उसको,
तो ऐसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको जो नेचुरल फिनोमेना है उनके केस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले दिखेंगे। मतलब किसी एक एक्स की वैल्यू पर अगर आप देखें तो ज़्यादा सेंटर्ड होंगे वैल्यूज, और उससे जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसके डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी दोनों ही साइड में। तो आपने ये भी लिखा है कि जो गॉसियन कर्व होगा ये हमारा सिमेट्रिकल होगा किसके अराउंड, जो पैरामीटर हम म्यू ले रहे हैं। अगर हम अभी हमने ये नहीं कहा है कि म्यू हमारा मीन है, ऐसा कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो पढ़ लिया होगा आपने वो स्टेटमेंट और समझ भी गए होंगे। तो इस पर हम अगर आप देखें तो आपके ज़्यादातर जो AM और FM के जो नॉइज़ के प्रॉब्लम्स हैं वो आपके गॉसियन PDF और उनके PSD पर ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, तो हम उस टाइम में मतलब अभी हम देखेंगे जब हम इसके एक्सटेटिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे उसके बाद। तो हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज है उसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्रॉ करें कि कितनी वेलोसिटी किसकी होगी किस रेंज में होगी, तो उसके लिए अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हैविंग अ गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर हम कहें कि हमारी वेलोसिटी कितनी चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए अगर 4 km/s, तो उस वेलोसिटी वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बस अगर हम कंसिडर करें तो उसकी जो डेंसिटी है अगर हम उसकी डेंसिटी को देखें तो ये हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड दैट वी आर टेकिंग द अजम्पशन दैट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट, वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर बस डिपेंड करती है। अगर हमने ऐसा कहा तब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन वेलोसिटीज का वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करेगा, गॉसियन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो चलिए ये हमने देख लिया, नेक्स्ट इजी आपका ले रहे हम एक और सेकेंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सभी हम किसके लिए देख रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए देख रहे हैं। तो आप यहां पर डिफाइन करते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ गिवन विथ पैरामीटर लैम्डा एज, अगर हम लिख पाएं fx ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड इट इज जीरो फॉर x लेस देन जीरो। तो ऐसे जो भी हमारे डेंसिटी फंक्शन रखने वाले रैंडम वेरिएबल्स होंगे उन सभी रैंडम वेरिएबल्स को हम एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स और इस PDF को हम एक्सपोनेंशियल PDF नाम दे सकते हैं। तो देखिए फिर से आपको अब आपको ये पता चल गया होगा इतनी देर में कि यहाँ पर जो हमने लैम्डा लिखा है उसका क्या सेंस है। अगर हम ये लैम्डा नहीं लें, अगर हमने fx ऑफ x लिखा होता e to the power minus lambda x, तो उसके लिए e to the power minus lambda x इसका एरिया क्या होगा, अगर आप देखें तो ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए। अगर आप जीरो नहीं रहता तब तो आप देख ही रहे हैं यूटी के लिए है। तो जैसा अभी हमने बात की एजसी कि अगर e to the power minus at ut होती है तो उसका एरिया कितना होता है, 1/a। मतलब आप अगर देखेंगे इसका कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन, अगर आप जीरो से इन्फिनिटी तक अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे e to the power minus lambda x dx को, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1/λ मिलेगी। मतलब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में एरिया कितना है, 1/λ है। और हमें क्या चाहिए, PDF अगर है तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PDF है। किस शेप का होगा, ये हमारा बिल्कुल इस शेप का होगा, दैट इज fx ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा ये ऐसी वैल्यू है, ठीक है। मैंने यहां पर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, ये वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, लैम्डा से शुरू हो रही है, इसका कोई हमने यहां पर असाइन नहीं किया। बस ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर का टोटल एरिया कितना आ जाए, 1 आ जाना चाहिए। तो अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे फेनोमेना जहां पर मेमोरीलेस प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ऐसी सभी फेनोमेना हमारे एक्सपोनेंशियल से
डिस्क्राइब होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम यहां पर लिखें, एक लाइन लिख देता हूं क्योंकि आगे के लिए आपको आसानी रहे, कि अगर हम ऐसा कोई भी अगर हम इवेंट मान लें, अगर हम लिखें कि ऑल, ऐसा अगर हम लिखें कि इफ अकरेंस ऑफ, इफ अकरेंस ऑफ इवेंट, इफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ऑन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर इंडिपेंडेंट, इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सच एज, अकरेंस ऑफ अ टेलीफोन कॉल और अराइवल ऑफ अ बस, ऑन द बस स्टॉप, देन इन सच केसेस, देन द वेटिंग फंक्शन, will have a distribution, that follows, the exponential distribution, देखिए इसको समझिए, हमने क्या लिखा कि अगर हम ऐसे इवेंट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे, इफ अगर लिखा हमने इफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, अगर हम जो टाइम इंटरवल्स हैं अगर वो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब अगर हम किसी इवेंट के आकर होने का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी इवेंट के आकर होने का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई फोन कॉल आने वाली है, ठीक है, तो अगर हमने इतने ड्यूरेशन को एक इंटरवल नाम दे दिया, यहां से लेकर यहां तक को हमने एक दूसरा इंटरवल नाम दे दिया, यहां से लेकर यहां तक को हमने एक तीसरा इंटरवल नाम दे दिया, तो ये तीनों इंटरवल्स कैसे नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है, एक के एंड हो जाने के बाद ही दूसरा इंटरवल शुरू हो रहा है। तो ऐसे केस में जो इवेंट्स हैं अगर हम इन सभी की, इन सभी को अगर इंडिपेंडेंट मान लें कि कॉल यहां आएगी या फिर कॉल यहां आएगी इस ड्यूरेशन में या फिर कॉल इस ड्यूरेशन में आए, अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है, जैसा हमने एग्जाम्पल भी क्या लिया उसका, जैसे कॉल का आना, अगर इतनी देर कॉल नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि कहीं से कॉल आने वाला है तो जब जरूरत होगी तब कॉल आएगा, ऐसा नहीं है कि इतनी देर कॉल नहीं आया तो अगले देर तो कॉल आना ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कॉल इस बीच में कहीं पर भी आ सकती है और उसका आना इसके, इस पर डिपेंड नहीं करता कि यहां पर कॉल आया था या नहीं आया था, इस पर डिपेंड अगर नहीं करता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या फिर जैसे आप कहें बस का अराइवल, मान लीजिए आपको ये पता है कि नेक्स्ट 2 आवर्स में एक बस आने वाली है लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से कभी भी कितना भी लेट हो सकती है, उस 2 आवर्स में कितना भी लेट हो सकती है, तो बस का आना अगर पहले कोई बस आई थी या नहीं आई थी उस पर डिपेंड अगर नहीं करता, अगर ये सभी इंडिपेंडेंट आपके इवेंट्स हैं, तो उस केस में किस चीज को आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं, आप किसको मान सकते हैं, देन द वेटिंग टाइम फंक्शन, मतलब आपको जितना वेट करना पड़ रहा है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लॉट करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, गॉसियन होगा, मतलब अगर आपको पता है कि 2 आवर्स में आपका आएगा ही, तो जो वेट करना पड़ रहा है आपको उसके लिए अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको ये चीज होगी कि अगर आप जितना टाइम वेट करते चले जाएंगे उसके बाद वो चीज क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, मतलब और वेट करना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको आप अभी समझ जाएंगे, अगर ये स्टेटमेंट में कुछ डाउट भी आया आपको अभी बस 5 मिनट्स कंसंट्रेट कीजिए, बिल्कुल चीज समझ में आ जाएगी आपकी। अगर मान लीजिए हम कहें कि लेट क्यू ऑफ टी, अगर हम कहें कि क्यू ऑफ टी क्या है, लेट क्यू ऑफ टी इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इन अ गिवन इंटरवल टी, there will not be occurrence of any event। अगर हमने क्या माना कि QT क्या है हमारा, QT को हम मान रहे कि एक प्रोबेबिलिटी है, Q of T फंक्शन, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है,
कि टाइम टी, इस टी इंटरवल तक में कोई भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं आया, कोई भी हमारा अकरेंस हमारे किसी भी इवेंट का नहीं हुआ अगर, तो उस केस में अगर हम डिफाइन करें देन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं देन, और अगर हम क्या डिफाइन करें, ये हमने मान लिया ये क्या हमारा क्यू है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर रेंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन करें कि इफ एक्स बी द टाइम, एक्स बी द टाइम फॉर फर्स्ट अराइवल, लेट एक्स बी द टाइम ऑफ फर्स्ट अराइवल, मतलब एक्स क्या है वो रेंडम वेरिएबल आपने क्या मान लिया कि पहली बार बस के आने के लिए जितना टाइम वेट करना पड़ेगा, बस के एग्जांपल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्यू ऑफ टी क्या माना आपने, कि क्यू ऑफ टी क्या है कि टी टाइम में वो टी टाइम इंटरवल जब तक कोई भी बस नहीं आई, तो क्यू ऑफ टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि टी टाइम तक कोई भी बस नहीं आएगी, ये इसको हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या मान लिया, क्यू टी मान लिया। और एक्स को क्या बोला हमने, एक्स क्या हमारा वो टाइम है जितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा जब तक पहली बस आती है, तो उसको आपने क्या नाम दिया, अगर रेंडम वेरिएबल मान लिया अपना एक्स, तो उस केस में इफ एक्स बी द टाइम फॉर फर्स्ट अराइवल देन बाय डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं क्यू ऑफ टी, ये क्यू ऑफ टी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी इज नथिंग बट क्यू ऑफ टी। अगर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी, मतलब पहली बार जो बस आए उसके लिए हमें टी से ज्यादा इंतजार करना पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसी प्रोबेबिलिटी को तो आपने ये भी नाम दिया कि क्यू टी, कि मतलब टी टाइम तक कोई भी बस नहीं आए, उसी का मतलब है कि हमें पहला बस आने के लिए हमें टी से ज्यादा टाइम तक इंतजार करना पड़े, तो इसको आप लिख सकते हैं कि पी एक्स ग्रेटर देन टी इज इक्वल्स टू व्हाट क्यू टी, हमने क्यू टी को यही चीज हमने डिफाइन की, ठीक है, ये चीज यहां समझ रहे हैं आप। अब अगर यहां से देखें कि हमने जो अजम्पशन ले लिया है कि अलग अलग इंटरवल्स में जो इवेंट्स आ रहे हैं अगर वो अपने आप से इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडिंग ऑन ड्यू टू द इंडिपेंडेंट एजम्पशन, जो हमने इंडिपेंडेंट होने का जो हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, उस एजम्पशन की वजह से क्या होना चाहिए कि अगर हम q ऑफ t1 इंटू क्यू ऑफ t2 देखेंगे, तो ये वैल्यू जैसे आप लेते हैं a इंटरसेक्शन b, तो या फिर आप जैसे लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो वही चीज जैसे आप यहाँ इंडिपेंडेंट के इवेंट में, तो यहां पर ये चीज को हम क्या लिख सकते थे, इसको हम क्यू ऑफ टी वन प्लस टी टू लिख सकते थे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम कि अगर हम इंडिपेंडेंट मान लें कि एक टाइम एक इंटरवल में इवेंट आया या नहीं आया, दूसरे इंटरवल में इवेंट आएगा या नहीं आएगा वो अगर पिछले से इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में क्यू टी वन इंटू क्यू टी टू इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी वन प्लस टी टू, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन का कोई भी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन अगर देखेंगे जो बाउंडेड हो, अगर हम यहां से लिखें इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है बाउंडेड, अगर आप क्या लें q ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैमडा t, अगर मान लीजिए q को आप लैमडा t के फॉर्म में लिखें तो q ऑफ t1 क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैमडा t1, q ऑफ t2 क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैमडा t2, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने e टू द पावर माइनस लैमडा t1 into e टू द पावर माइनस लैमडा t2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड होकर e टू द पावर माइनस लैमडा टाइम्स t1 प्लस t2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर हमें क्यू टी वन इंटू क्यू टी टू की वैल्यू क्यू ऑफ टी वन प्लस टी टू चाहिए, तो उस केस में क्यू टी के लिए सॉल्यूशन जो पॉसिबल है वो क्यू टी किस फॉर्म का होना चाहिए, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी के फॉर्म का होना चाहिए, और ये क्यू टी को आपने क्या माना है, क्यू टी आपने माना क्यू टी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स बींग ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टी, ये अगर आपने माना है। तो अगर आप इसका डिफाइन करें सी डी एफ, क्योंकि आपको क्या डिफाइन करना है, अगर पीडीएफ आपको पता है, सीडीएफ आपको डिफाइन करना है, यहां पर हमने पीडीएफ को भी यूज नहीं किया, ठीक है। अब हम यहां से यूज कर रहे हैं कि अगर हमें क्यूटी ये चीज पता चल गई तो पीडीएफ क्या लिखते हैं हम, सीडीएफ क्या लिखते हैं हम, अगर हम लिखें एफ एक्स ऑफ टी से, एफ एक्स ऑफ एक्स जैसे लिखते हैं हम टाइम का, तो यहां पर मान लीजिए कि हम टाइम के लिए लिख रहे हैं, अगर एफ एक्स ऑफ टी लिख दें तो एफ एक्स ऑफ टी इज वॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स बींग लेस देन और इक्वल्स टू टी, ये चीज हमें पता है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये भी हमें पता है
कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, और इसलिए इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x ग्रेटर देन t एंड विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस q ऑफ t, एंड q ऑफ t इज व्हाट, 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा t. तो आपके पास ये क्या आ गया, एफ एक्स ऑफ टी आ गया, मतलब ये क्या आ गया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया आपके पास. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको पता चल गया तो इससे पीडीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स ऑफ टी कैसे मिलता आपको, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, तो यही चीज आपको क्या देती, लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. इसलिए आपने कहा कि ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इट इज वॉट एक्सपोनेंशियल, इट इज वॉट एक्सपोनेंशियल पीडीएफ. तो देखिए यहां पर हमने क्या क्या बात की, हमने ये कहा कि एक्सपोनेंशियल कब होगा, पहले तो हमने कहा कि जितने भी डेंसिटी फंक्शंस हमें इस फॉर्म के मिलेंगे, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर लैम्डा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उसको हम कहेंगे ये हमारा एक्सपोनेंशियल पीडीएफ है. फिर हमने कहा कि कौन से फेनोमेना इसको करेंगे, तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं इवेंट्स जिसमें अलग अलग इंटरवल्स में जो इवेंट्स हो रहे हैं अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में जैसे आपने कहा कि कोई बस का आना, या फिर आपने एग्जांपल लिया कि किसी टेलीफोन कॉल का आना, तो अगर वो हमारे इंडिपेंडेंट हैं अलग अलग इंटरवल्स के इवेंट जो आ रहे हैं अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो उस केस में उनके लिए जितना वेट करना पड़ेगा हमें, जैसे कॉल आना तो एक इवेंट है लेकिन पहली बार कॉल आने के लिए हमें जितना वेट करना पड़ेगा, वो जो वेटिंग फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन किसको अप्रोच करेगा, एक्सपोनेंशियल गॉसियन को, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा. फिर हमने डिफाइन कर दिया कि अगर हम मान लें कि क्यू टी हमारा कोई फंक्शन है टी का, जो क्या बताता है कि टी इंटरवल तक कोई भी इवेंट नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट टी इंटरवल तक हमारा कॉल नहीं आएगा, अगर ये प्रोबेबिलिटी उस चीज की प्रोबेबिलिटी को बताता है. तो मतलब अगर हम कहें कि पहली बार कॉल आना, उसी टाइम को जितना हमें वेट करना पड़ेगा पहली बार कॉल आने के लिए, अगर आपने उस टाइम को रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया है, तो x के लिए अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार कॉल आने के लिए हमें t टाइम से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसी प्रोबेबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं, qt कह सकते हैं, क्योंकि आपने qt क्या डिफाइन कर दिया कि t टाइम से पहले कॉल नहीं आएगा. तो t टाइम के पहले कॉल नहीं आएगा ये बोलना, या t टाइम के बाद ही कॉल आएगा ये बोलना, दोनों चीजें सेम है, तो इसलिए आपने qt इज इक्वल्स टू लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t. अब हमने अगर देखा कि अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेकर चल रहे हैं तो हमें ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए इस प्रोबेबिलिटी के लिए, qt1 into qt2 it must be equals to q of t1 plus t2. तो इस केस को अगर हम देखें तो ये सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगा अगर हम इसका नॉन जीरो और बाउंडेड सॉल्यूशन अगर हम चाहते हैं, तो उस केस में तभी ये सेटिस्फाई करेगा जब हम qt इज इक्वल्स टू क्या लें, e टू द पावर माइनस लैम्डा t के फॉर्म की चीज लें. हमने देख लिया कैसा सेटिस्फाई हो रहा है ये. तो अगर ये qt इस फॉर्म का आपको मिल गया, तो अब उस केस में हमने ये लिखा कि अगर qt है हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन t, तो जिसको हम cdf कहते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x बीइंग लेस देन और इक्वल्स टू t, तो वो कैसे फाइंड कर सकते थे हम, 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 माइनस qt से. तो 1 माइनस qt कैसा फंक्शन होता, fx, ये हमारा इस फॉर्म का ये फंक्शन होता. अगर आप इसका शेप देखते तो इसका शेप कैसा होता, ये 0 से 1 को अप्रोच करता, ये आपका क्या है फंक्शन, कैपिटल x fx ऑफ x होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैल्यू कितनी 1. और इसी को जब आप डिफरेंशिएट किया आपने तो आपको क्या मिला, पीडीएफ मिला. और आप देख रहे हैं कि पीडीएफ फाइनली कैसा आ गया, जैसा हम चाहते थे. तो मतलब ये जो फेनोमेना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल को ये रिप्रेजेंट कर रही है. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसके लिए हमने इतनी बात की है, अब हम बस वो करेंगे और फिर ये लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, दैट इज मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर हम थोड़ी सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फिर से बात करेंगे. तो यहां पर ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस सेशन, इस लेक्चर का, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स सफिशियंट होगा हमें ये डिस्कशन करने के लिए. तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आएगी. तो जैसे अगर हम देखें मेमोरी लेस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए
अगर हम कहें कि लेट हमारे पास स्मॉल एस और टी, ये दोनों ही कैसे हैं, बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर हमने ऐसा डिफाइन कर दिया। और अगर हम देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग ग्रेटर देन एस प्लस टी व्हाइल इट इज नोन दैट दैट एक्स इज ग्रेटर देन एस, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी है। जैसे आप अगर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइल इट इज नोन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आपने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, मतलब जो हो चुका है इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज आपने लिखी थी। तो अगर हम कहें कि हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चल रहे हैं और हम कोई दो इंस्टेंट्स डिफाइन कर रहे हैं एस और टी, जो दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में अगर हम ये लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए आप कॉल के वेट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि हम एस टाइम तक वेट कर चुके हैं और कॉल नहीं आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इसमें टी टाइम तक और वेट करेंगे और तो भी कॉल नहीं आएगी। ये समझ रहे हैं इसके डेफिनेशन का मतलब कि एक्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन एस, ये तो डिफाइन हो चुकी है चीज, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स हमारा एस प्लस टी से भी बड़ा होगा। तो अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं आप, सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एस, तो ये आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एस। न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटीज इन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर हम कहें कि कोई चीज 5 से बड़ी है और कोई चीज 10 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। अगर हम कहें कि हमारे पास नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 भी ले लिया हमने, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो अगर हम कहें कि x हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर हमने ले लिया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर हम कहें कि x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7, 8 एंड 9 आ रहे हैं। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी। मतलब अगर आप x ग्रेटर देन 7 को ऐसे भी लिख सकते थे आप 5 प्लस 2, तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू है उससे जो बड़ी है वही इन दोनों में होंगे। आप अगर लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको ये इंटरसेक्शन चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 7 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, तो जो 5 से भी बड़ा हो और 7 से भी बड़ा हो, मतलब अल्टीमेटली वो 7 से अगर कोई चीज़ बड़ी होगी तो डेफिनेटली वो 5 से तो बड़ी होगी। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप क्या लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखिए अभी हमने क्या डिफाइन किया, अभी हमने ये डिफाइन किया था कि जो आप लिखते हैं q ऑफ t, आपने q ऑफ t क्या माना था कि प्रोबेबिलिटी कि हमें जो वेट करना पड़ेगा वो t से बड़ा होगा, इसको आपने क्या लिखा था, q ऑफ t लिखा था। और q ऑफ t का जनरल सॉल्यूशन आप कहां तक पहुंचे थे, e टू द पावर माइनस लैम्डा t के फॉर्म की ये कोई चीज होगी, ऐसा लिख सकते थे आप। तो अगर ये p ऑफ t था तो यहां पर आपने e टू द पावर माइनस लैम्डा क्या लिखा था, t लिखा था। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को 1 ले लें, क्योंकि हमें रेशियो लेना है, इन दोनों में लैम्डा आएगा तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी चीज, तो इसलिए अगर हम इस चीज को लिखें, ये हमारा क्या है, p ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस t, मतलब इसको हम q ऑफ s प्लस t कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर माइनस ऑफ s प्लस t, और डिवाइडेड बाय यहां से क्या वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी है किसकी, x ग्रेटर देन s, मतलब इसको हम q ऑफ s कह सकते हैं, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर माइनस s होगी। तो मतलब अगर हम देखें तो ये चीज कैसी होती, e टू द पावर माइनस s इंटू e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस s, ये दोनों वैल्यूज कैंसल्ड, क्या वैल्यू मिल गई आपको, e टू द पावर माइनस t मिल गई। मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड की, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आई, e टू द पावर माइनस t के बराबर। और इस चीज को हम और क्या कह सकते हैं, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t, ये e टू द पावर माइनस t, मतलब क्या, क्यू टी है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो क्यू टी है मतलब वो क्या है, प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x बीइंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू t। तो इसलिए आपको ये जो चीज मिली, जैसे हमने ये कैसे लिखा, हमने अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी लिखनी थी x ग्रेटर देन s प्लस t, तो हमने क्या लिखा, e टू द पावर माइनस ऑफ s प्लस t, मतलब अगर e टू द पावर माइनस s प्लस t है तो ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, ये जो भी चीज लिखी है इससे बड़े होने की प्रोबेबिलिटी।
ऐसे ही अगर हमारे पास आ गया माइनस टी ओनली, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, एक्स ग्रेटर देन टी की प्रोबेबिलिटी है। अब ये देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिला यहां से कि आपने ये चीज फाइंड की, आपने फाइंड की प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन एस प्लस टी व्हाइल इट इज नोन दैट एक्स इज ग्रेटर देन एस, देन दिस प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी ओनली। इसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं, इसको देखकर आपको क्या समझ में आया अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो देखिए चीज ऐसी है, आप ये लिखना चाहते हैं कि कोई चीज, जैसे आपने पहली बार कॉल आने की बात की, तो अगर एस टाइम तक कॉल नहीं आया है तो एक्स प्लस मतलब एस प्लस टी टाइम पर कॉल आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टी, वो एस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां से आप ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एस प्लस टी while it is known x is greater than s depends only on interval t not on s। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन हम बात कर रहे थे वो क्या है, s पे डिपेंड कर रही है। मतलब मान लीजिए कि हम किसी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट जो आपका s टाइम से ऑलरेडी वर्किंग है, आपके पास कोई एक बल्ब है जो आप मान लीजिए कि 13 आवर्स से आप उसको कंटिन्यूअसली जला कर रखा हुआ है आपने। अब अगर आप चाहते हैं कि एस टाइम से जो चीज़ ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रही है, अगर वो एडिशनल टी टाइम तक और ख़राब ना हो, आप चाहते हैं कि 13 आवर्स से बल्ब चल रहा है वो 4 घंटे तक और जले, 4 घंटे तक और वो फ्यूज़ ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्ब 13 आवर्स से जल रहा था या 30 आवर्स से जल रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, जितना आप और चलाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 4 आवर्स और ये बल्ब हमारा फ्यूज़ नहीं हो, तो वो सिर्फ उस 4 आवर पे डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कहें कि 30 आवर से आप बल्ब को जला रहे हैं तो 4 आवर्स और चलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बिल्कुल वैसा वर्क करेगा जैसे बिल्कुल फ्रेश बल्ब को आपने फ्रेश इक्विपमेंट लिया, न्यू इक्विपमेंट लिया, और उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि एटलीस्ट ये 4 आवर्स वर्क करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर इसलिए आप इसको कहते हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है रैंडम वेरिएबल, तो उसमें पहले जो चीज हो चुकी है वहां उससे आपको मतलब नहीं है, आपको और जितना, जैसे वेटिंग प्रोफाइल की हमने बात की, तो आपको जितना और टाइम लगेगा, मैं इसको वर्डिंग्स में लिख देता हूं तो आपको आसानी रहेगी आगे रिकॉल करने में। इफ इट इंडिकेट्स दैट इफ एन इक्विपमेंट हैज बीन वर्किंग For time s, then the probability, that it will survive, for additional time t. Additional time interval t is depends only on time t। हमें और कितना चलाना है सिर्फ उसी टाइम पर यह डिपेंड करेगा। मतलब दैट इज इट इज आइडेंटिकल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी of survival of a new equipment of a new piece of equipment for time t। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी इक्विपमेंट को शुरू किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि t टाइम तक और चलेगा। तो ऐसे जब भी हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले रैंडम वेरिएबल्स को देखेंगे, तो इसलिए हमने क्या कहा, यह प्रॉपर्टी कैसी है, मेमोरीलेस टाइप की प्रॉपर्टी, कि पहले तक क्या परफॉर्मेंस रह चुका है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें अगर आगे के लिए वेट करना है तो हमें बस उस टाइम से देखना है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि नेक्स्ट 15 मिनट से बस नहीं आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ नेक्स्ट 15 मिनट पर डिपेंड करेगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि अगर आपके अभी से आधे घंटे पहले बस आई थी या नहीं आई थी, अगर उससे इंडिपेंडेंट हो जाए तो उस केस में, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस टाइप का ये लेंगे, और इसको हमने कहा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन जनरल क्या होता,
अगर हम इन जनरल बात करते हैं, अगर ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो इस प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यू होती? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज इन जनरल अगर आप देखें तो जो प्रोबेबिलिटी आपने लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन s प्लस टी व्हाइल इट इज नोन दैट x इज ग्रेटर देन s, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी किससे मिलती? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस टी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s, और फिर उस केस में ये जो वैल्यू होती, क्योंकि आप अगर सी डी एफ जानते हैं तो सी डी एफ की क्या वैल्यू होती है? अगर हम यहीं पर लिख दें s लेस देन और इक्वल्स टू s, तो वो हमें पीडीएफ सीडीएफ दे देगा। तो सीडीएफ के टर्म्स में इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐसे लिख सकते थे, 1 माइनस एफ एक्स ऑफ s प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ एक्स ऑफ s लिख सकते थे। तो इन जनरल ये जो चीज है, इट इज व्हाट? इट इज फंक्शन ऑफ s। ये उस केस में s का भी फंक्शन है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में ये चीज x का फंक्शन नहीं रह जाती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? जो टाइम आप अभी एडिशनल टाइम और चाहते हैं कि आपका इक्विपमेंट चलता रहे, उस पर ये चीज डिपेंड करती है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। तो आपको ज्यादा इस लेक्चर में कुछ नहीं था, हमने एक्सपोनेंशियल के एक्सप्रेशंस लिखे, वो एक्सप्रेशन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जिस्टेंस थ्योरम देखी, कोई जरूरी नहीं है आप अगर उसको नहीं भी समझ पाया अभी, तो आगे जब हम यूज करेंगे, जैसे हम अगर टेलीफोन कॉल के लिए हमने यूज किया कि जो हमारा आउटकम आया उसी को रैंडम वेरिएबल मान लिया, तो ये वहीं से ये सभी चीजें आती हैं, तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। आपने ये देख लिया कि गॉसियन के केस में पीडीएफ के लिए अंडर एरिया की वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा वन होनी चाहिए, तो हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यूज किया क्यू, वो आपने देख लिया। ऐसे ही यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने डेंसिटी फंक्शन देखी इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो भी जो बाहर आपने लैम्डा लिखा आपको आपको समझ में आ रहा है कि वो जो बाहर जो भी कांस्टेंट लिखा होगा पीडीएफ के साथ, वो सिर्फ इसलिए यूज किया गया होगा कि उस पीडीएफ के अंदर का टोटल एरिया हमेशा वन रहे, जिससे कि पीडीएफ की प्रॉपर्टीज फुलफिल हो सके। इसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से सीक्वेंसेस को आप किस टाइप के इवेंट्स को आप मान सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, वो चीज़ हमने थोड़ी सी बात कर ली। तो क्योंकि आगे जब हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक टाइम में एरर अभी तक नहीं आया है, तो आगे 10 सेकंड्स तक और एरर नहीं आए हमारे ट्रांसमिशन में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछले 10 सेकंड्स तक बिट्स में हमारी एरर आई थी या नहीं आई थी। अब जो नेक्स्ट हम जितना इंटरवल ले रहे हैं, वही चीज हमारी वहां पर अगर होगी डिपेंडेंट, अगर हमें क्या दे दिया गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशनड हो जाए तो आपको ये समझ जाना है ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। नेक्स्ट में हम कुछ और स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल्स को लेंगे। अभी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की डेंसिटीज देख रहे हैं, हम उसके बाद डिफाइन करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज सीडीएफ और पीडीएफ, और उसके बाद फिर हम अपने स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, और हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, और हम देखेंगे जैसे आपने अभी जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल पढ़ा, तो आप आगे एक थ्योरम भी देखेंगे जिसको हम नाम देंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, कि अगर एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स को ऐड हम करते हैं तो उनका ओवरऑल पीडीएफ कन्वॉल्व होगा, जो फाइनली किस शेप को अप्रोच करेगा, गॉसियन शेप को अप्रोच करेगा। तो बस आप नोट्स बनाते रहिए, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है कि अभी तक गेट में क्या क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे इतना पढ़ने के बाद, ये सभी सोचना अभी आपका काम नहीं है। आप बस अभी आराम से देखते रहिए, जिन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे अचानक से ऐसा होगा, अभी आपको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, फिर भी ये सडन ही ऐसा जंप आएगा आपके इसमें कि आपसे एक साथ ही सारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, बस क्योंकि कुछ ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके गेट में अभी तक आए हैं इस चैप्टर से। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, बहुत अच्छा हम आगे इसको एक अच्छे वे में लेकर चलेंगे। तो चलिए, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट्स होती हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं उसका आपको यहीं पर लेक्चर में ही सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।